हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? एक बार फिर से आप लोगों का मैं डॉक्टर भरत कुमार स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आज हम इस MBBSC के इस बैच को शुरू करने जा रहे हैं, राइट। चलिए दोस्तों, तो आज जितने भी लोग इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं उन सब लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं, गुड इवनिंग एवरीवन, सभी लोगों को गुड इवनिंग, राइट। चलिए, मेरे पास यहाँ पर कमेंट्स है नीचे, जब भी मैं यहाँ देखूँ इसका मतलब मैं कमेंट्स ले रहा हूँ, और जब भी मैं सामने देखूँ इसका मतलब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, राइट। चलिए, तो जैसे कि अभी हमने देखा कि 21 मई को हमारा प्रिलिम्स का एग्ज़ाम हुआ 2022 का। मोस्ट प्रोबेबली 2023 का जो MBBSC का एग्ज़ाम है वो जनवरी या फरवरी में प्रिलिम्स होगा, और 2022 का जो मेंस है वो हमारा अभी अक्टूबर के लगभग में होना है। तो चूंकि हमारे पास टाइम बड़ा कम है, तो पहले हम ऐसा करते हैं कि मेंस अप्रोच लेकर चलते हैं, और मेंस अप्रोच के साथ ही आपका जब जनवरी फरवरी में 2023 में आपका जो 2023 का प्रिलिम्स होगा वो भी आपका ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। और जब 2023 में जो लोग मेंस देंगे और उनके लिए तो बल्ले ही बल्ले है, क्योंकि उनका सिलेबस पहले ही खत्म हो चुका होगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से कि हम कौन कौन से चीज़ें कवर करने वाले हैं MBBSC में। इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या ज़रूरत है, क्या हमारा ये वेटेज है। तो मुझे सारे लोग बस इतना बता दो कि मेरी साउंड, ऑडियो, वीडियो सारा कुछ परफेक्ट है, सो दैट आई कैन प्रोसीड अहेड और थोड़ा सा आगे हम बात कर सकें। चलिए, सारे लोग मुझे जल्दी से कमेंट करके ये बता दो। और जो लोग मेरे MBBSC के पुराने बच्चे हैं, मुझे उम्मीद है कि जितना मुझे उनका इंतज़ार था इस बैच को शुरू होने का, उतना ही उन्हें भी मेरा इंतज़ार होगा। और मुझे ये भी उम्मीद है कि मैं गलत फहमी में नहीं जी रहा था। कम ऑन यस, तो जल्दी से मुझे आप लोग बता दें। तो यस सर, सब क्लियर है, ओके एवरीवन। चलो ठीक है एवरीवन, चलो। हाँ सर, प्लीज़ इम्प्रूव दिस प्रॉब, पता नहीं क्या कौन सी प्रॉब्लम। चलो, एवरीवन इज सेइंग ओके ना, ऑल क्लियर। चलिए तो दोस्तों शुरू यहाँ से करते हैं कि हमारे MBBSC में इकोनॉमी का प्रिलिम्स और मेंस में क्या क्या वेटेज है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बताऊँगा, और बहुत अच्छी बात ये है कि MBBSC ने, अगर मैं मेंस की बात अभी करूंगा, कि जो सिलेबस में लिखा है बिल्कुल विद इन द सिलेबस सवाल पूछता है। और MBBSC में इकोनॉमी की समस्या को आप आज ही भूल जाइए। जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट होंगे वो बताएंगे, सर मैं न्यू स्टूडेंट हूं, फिर भी इंतजार था, ओके बेटा, फिर तो बहुत अच्छी बात है। नाउ तो दोस्तों, अब जो मेरा मुझे लेना है बैच साथ में, ठीक है, चलो अभी मैं दाएं बाएं की बातें नहीं कर सकता हूं, क्योंकि दिस इज द ओरिएंटेशन क्लास, और आगे वाली क्लासेस में भी हम दाएं बाएं की बात नहीं करें। चलो, तो ये हमारा MBBSC में हम देखते हैं कि प्रिलिम्स और मेंस में क्या सिस्टम है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि हमारा जो प्री एग्जाम है, जो प्रिलिम्स का पेपर है, इस प्रिलिम्स के पेपर में हमारे इकोनॉमी का क्या वेटेज है। तो अगर हम पेपर 1 GS की बात करें, तो मैं बिल्कुल क्लियर कट आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि प्रिलिम्स में आप ये मान के चलो कि मैक्सिमम 3 से 5 क्वेश्चंस इकोनॉमी में आएंगे, 3 से 5 क्वेश्चंस बस। इसका मतलब है कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी इंडियन इकोनॉमी नहीं है, लेकिन अगर मान लो एक भी क्वेश्चन आए, और वो एक क्वेश्चन भी आप अगर कर दें और जो दूसरे लोग ना कर पाए, तो वहां से भी आप इन और आउट हो सकते हैं। इसीलिए हम इतने कम वेटेज को नहीं देखेंगे, हम ये समझ के चलेंगे कि इकोनॉमी हमारा एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और उसे हमें कंप्लीट करना है और बहुत ही शानदार तरीके से करना है। अगर मैं बताऊं तो इस बार 3 क्वेश्चंस थे 2022 में, 2022 में डायरेक्ट इकोनॉमी के 3 क्वेश्चंस थे। अगर मैं इसमें सेंसस भी जोड़ लेता हूं, भारत की जनगणना, सेंसस ऑफ इंडिया, भारत की जनगणना जोड़ लेता हूं, तो
तो भारत की जो जनगणना है, जो सेंसस ऑफ इंडिया है, तो अगर हम सेंसस ऑफ इंडिया की बात करें तो सेंसस ऑफ इंडिया में तो ये जनरली जनरली ऐसा पार्ट है कि हम करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेते हैं, कभी कभी गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेते हैं। तो अगर इसके 6-7 क्वेश्चन भी थे, अच्छे खासे क्वेश्चन थे, तो अगर मैं सेंसस को भी इंक्लूड कर दूँ आप लोगों के सिलेबस में, तो मैं कह सकता हूँ कि फिर आपके क्वेश्चन थे कम से कम 8 से 10 प्रीलिम्स में। लेकिन कोर हार्टेडली इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन थे वो थे 3 से 5। चलो हाँ, लाइक आ सकते हैं, और 2022 में 3 से 5 क्वेश्चंस थे। चलो इतनी बात क्लियर है। आगे जाने से पहले जरा मैं आप लोगों को सिलेबस बताना चाहूँगा कि हमारा सिलेबस क्या है, क्या क्या चीज़ें होती हैं और सिलेबस में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो देखो, अगर मैं इकोनॉमी के प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करूँ, ये प्रीलिम्स का सिलेबस है एज पर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो 2022 में आया है। देखो, अगर हम बात करें तो इसमें पहला जो पॉइंट लिखा है वो लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। जब बात होती है भारतीय अर्थव्यवस्था की तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। इसके बाद यहाँ पर साफ साफ लिखा है औद्योगिक विकास और विदेश व्यापार, आयात और निर्यात, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, फॉरेन ट्रेड एंड दोस्तों एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ठीक है, एक ये हमारी यूनिट हो गई। अगर हम बात करें इसी इकोनॉमिक्स के अंदर जो दूसरा पार्ट लिखा हुआ है वो उसमें लिखा है वित्तीय संस्थान, जैसे RBI के बारे में हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अलावा जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, ओके इंग्लिश मीडियम है रुचि सिंह, तो मैं ऐसी ही भाषा बोल रहा हूँ जिसमें हमारे सारे देश के हिंदुस्तानी समझ पाएँ। इंग्लिश भी हिंदी भी 100% बाइलिंगुअल इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं, तो ये मुझे कमेंट करने का तरीका समझ में नहीं आया कि ये तमीज़ है या बदतमीजी है आपकी कि इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं, ना पहले सर ना पहले कुछ, मतलब क्या है। तो दोस्तों, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो ये जानते होंगे कि हमारी क्लास में एक टीचर और स्टूडेंट का डेकोरम बहुत अच्छे से मेंटेन होता है, क्योंकि मैं अपने एंड पे बहुत ईमानदारी से काम करता हूँ, ये मेरे स्टूडेंट जानते हैं। तो आपको भी अपने पक्ष पर ईमानदार और इज्जतपूर्ण रहने की आवश्यकता है। और आप लोग अगर MBBSC की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों, एक शिक्षक आपसे इतनी उम्मीद कर सकता है कि आपको बोलने का सही लहजा आना चाहिए, क्योंकि आपका मेंस के बाद पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू भी राइट ना। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो इसके बाद देखिए आगे कि वित्तीय संस्थान होता है, राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं, देन भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जिसे हम SEBI कहते हैं, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये नोटिफिकेशन में इकोनॉमिक्स का सिलेबस डिफाइंड है प्रीलिम्स के अंदर। फिर इसके बाद है देन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो हमारा राष्ट्रीय शेयर बाजार है, और जो बैंकिंग वित्तीय संस्थान है, ये हमारा सिलेबस का हिस्सा है राइट नाउ। बस अगर हम बात करें तो हमारे PT में ये पूछा गया, और इसकी भी अगर हम बात करें, देखो 3 क्वेश्चंस थे 2022 के जो अभी भी आया। पहला क्वेश्चन जल्दी से मुझे ये बताइए, कौन कौन स्टूडेंट मेरे प्रीलिम्स वाले बैच में थे, जल्दी से मुझे हाथ ऊपर करके, मतलब यस या यस तो नहीं, मैं लाइक मैं था या लाइक थम्सअप करके आप मुझे बता सकते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट मेरे थे, जिससे जो नए स्टूडेंट आए हैं, जो नए स्टूडेंट हैं उनका हम अच्छी तरीके से स्वागत कर सके और उन्हें पता चल सके यहाँ पर अभी इकोनॉमी का बॉम्ब कितनी तहलके के साथ ब्लास्ट होने वाला है, और आपके इस खोपड़े में इकोनॉमिक्स का ऐसा ज्ञान भरा जाएगा कि गारंटी लेता हूँ दोस्तों यहाँ खड़े होकर कि सबसे अच्छा आप राइटिंग कर रहे होंगे इकोनॉमिक्स की, ज़्यादा हवाबाजी करने की मुझे आवश्यकता नहीं ना। तो दोस्तों ये देखिए, ये हम भी थे ये स्टूडेंट बता रहे हैं, तो जो लोग थे अब वो बताएंगे जल्दी से कि मैंने सिर्फ 11 क्लास ली थी आपकी, क्योंकि बिल्कुल लास्ट में मुझे पता चला कि MPPSC का टाइम आने वाला है, तो फिर बिल्कुल लास्ट में सिर्फ 11 क्लासेस, और उसमें तो एक तो इंट्रोडक्शन की ही क्लास थी जैसे आज हो रही है, तो इसके अलावा 10 क्लास में ही 3 क्वेश्चंस के तीनों के तीनों क्वेश्चंस उन 10 क्लास से थे। अब ये भी स्टूडेंट मुझे बताएंगे, तो
बता रहे हैं कि बहुत मज़ा आता है पढ़ने में सर से, न्यू स्टूडेंट हो गए, न्यू क्लास है सर मेरा, ठीक है बेटा जिसका न्यू है सर, आप अर्थशास्त्र के भीम पिता हैं, आपको आपके होते हुए हमें टेंशन नहीं है, थैंक यू सो मच एवरीवन, लेकिन भीष्म पिता नहीं कहो भैया, एक छोटे से आदमी हैं और बस अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह पढ़ लें और थोड़ा सीख लें ना। इसके अलावा चलो तो दोस्तों तीन क्वेश्चंस थे, पहले मैं 2022 से ही स्टार्ट करता हूँ। इन 2022 जो 2022 का हमारा एग्जाम हुआ उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया नीति आयोग से और बहुत प्रेडिक्टेबल था क्योंकि हमने पिछले 2-3 साल के एग्जाम की स्टडी करी थी, तो उन 2-3 साल के एग्जाम में क्या था कि नीति आयोग से बार बार क्वेश्चन पूछा गया था, प्लानिंग कमीशन से बार बार क्वेश्चन पूछा गया, राइट। तो एक तो नीति आयोग का सवाल था, इसके अलावा एक RBI से सवाल था। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल था क्योंकि अगर हम बात करें तो RBI अगर हम बात करते हैं तो RBI से भी बार बार एग्जाम में PD में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हमने इसको भी प्रेडिक्ट कर लिया, राइट। सो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, यही आपका प्यार है जो मुझे बरकरार रखता है कि मैं ऐसा आपके साथ पढ़ाऊँ और इस तरीके से पढ़ाऊँ जिससे आपका और मेरा दोनों का मन और आत्मा प्रसन्न हो जाए। हर क्लास के बाद दोस्तों ऐसा फील हो कि आपने जो 1.5 घंटा अपना KGS के साथ इन्वेस्ट किया है वो एक बहुत ही शानदार तरीके से आपका टाइम इन्वेस्ट हुआ है। इन्वेस्ट इकोनॉमिक्स की भाषा में बात कर रहा हूँ, राइट। तो इन्वेस्ट होगा तभी आपको रेट ऑफ रिटर्न जो है वो अच्छा मिलेगा, मतलब सीधा SDM बनकर या दोस्तों DSP बनकर ही निकलेंगे आप लोग, कम ऑन, राइट ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन था और उसको इकोनॉमिक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, जिन्होंने वो क्वेश्चन सॉल्व किया होगा उन्हें पता होगा। मैंने दोस्तों अपने KGS के प्लेटफॉर्म पर ही MBBSC के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन का एनालिसिस किया था, अगर कोई नया है तो वो जाकर एनालिसिस देख ले, उससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन MBBSC पूछता है, राइट। सर फाइनेंस में जॉब के साथ साथ मैं तैयारी कर सकता हूँ? यस बिल्कुल कर सकते हैं आप। चलिए तो जितने भी हमारे नए स्टूडेंट हैं उन सबका बहुत तहे दिल से, दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ दोस्तों ना। तो ये तीन क्वेश्चंस थे बस। तो एक यहाँ से नीति आयोग से सवाल था कि नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट की नियुक्ति कौन करता है, तो हमने बात करते ही करते क्लास में लिखवाया भी था आप लोगों को, नोट्स भी दिए थे। इसके अलावा RBI से बहुत ही पिद्दक सवाल पूछा गया, मतलब देखो मैं आपसे बड़े भाई की तरह ये जरूर कहना चाहूँगा कि प्रीलिम्स की आप बिल्कुल चिंता ना करें, अगर आप KGS में जुड़ चुके हैं तो आप सिलेक्शन की भी चिंता ना करें, और PT तो मजे मस्ती में, जितने भी यहाँ पर टीचर्स हैं, जितने भी फैकल्टीज हैं, दे ऑल आर वेरी ऑसम, दे हैड अ वंडरफुल एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग फॉर द MBBSC सेगमेंट्स। तो दोस्तों आप लोग बहुत सही जगह पर हैं, बस अगर ज़रूरत है तो आपकी डेडिकेशन की ज़रूरत है, बस आप उसको ध्यान से दीजिए। ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन था कि इन्वेस्टमेंट ये होगा वो होगा, ये तो तीसरा सवाल आप एनालिसिस में जाकर देखिएगा, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, राइट ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब आते हैं जरा मेंस के सिलेबस पर, जो हमारा मेंस है, मेंस में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उससे पहले मेंस का सिलेबस बताते हैं आपको कि मेंस का सिलेबस क्या है। देखो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो मेंस है आपका वो ये देखिए, ये हमने पूरा मेंस का यहां पर आप लोगों को चार्ट दिया है, तो अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा हो तो चिंता नहीं करनी, मैं पूरा का पूरा उसके लिए बोलूंगा। तो अगर हम मेंस की बात करें, इकोनॉमिक्स लैंग्वेज भी सीख जाएंगे सर, भावना वर्मा ऐसी इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज सीख जाओगे कि अपने घर में भी इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स बोलोगे तुम लोग, ऐसा मेरे बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं। तो देखो सर लैपटॉप में नहीं प्ले हो रहा है प्रॉपरली, प्लीज हेल्प मी। तो बेटा अब आज के बाद कौन है ये PUNM, पूनम का ए गायब है, तो पूनम मिश्रा आज के बाद इन सब चीज़ों से संबंधित आप मुझसे बात नहीं करेंगे, उसके लिए KGS ने आपको एक टेक्निकल टीम का नंबर दिया हुआ है, आप प्लीज़ उन्हें कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि तो मैं यहाँ पर पढ़ाने आया हूँ और आप पढ़ने आए हैं। तो मान लो कभी ऐसी परिस्थिति आ गई, लैपटॉप पे नहीं चल रहा भैया, मोबाइल पे तो चल रहा, खोल के पढ़ लो 1.5 घंटे, अब आप भी डिस्टर्ब हो रहे, मुझे भी डिस्टर्ब कर रहे, तो दिस इज़ नॉट द गुड सॉल्यूशन फॉर बिकमिंग द SDM और DSP। तो यार अपने पर्सनैलिटी ट्रेट्स को भी डेवलप करो, यू मस्ट लुक लाइक एन
ऑफिसर इफ यू वॉन्ट टू बिकम एन ऑफिसर, नॉट इन योर पर्सनैलिटी ओनली बट इन योर बिहेवियर एज वेल। तो दोनों में आप लोग इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक, आंतरिक और बाहरी रूप से भी ऐसे ही होना चाहिए। चलिए, ज़्यादा ज्ञान देने का अभी मेरा मन है नहीं आज। तो देखिए, मेंस के सिलेबस की बात करें तो हमारा जो मुख्य परीक्षा है, जो मेंस है, उसमें चार पेपर हैं जीएस के, इलेक्ट पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। सारी बातें छोड़कर बस आप इतना मान लो कि आपका जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है वो जीएस पेपर 2 में है। तो जो हमारा जीएस का पेपर 2 होगा, इसके भी मैं बता देता हूं आपको, खंड बा में, इसके भी खंड बा मतलब सेक्शन बी जो है वो तीन में डिवाइडेड है। देखो, सेकंड पेपर में लिखा है यहां पर राजनीति, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र, लेकिन इसमें जो पार्ट ए है, ध्यान से सुनना, मैं सिर्फ जीएस पेपर 2 की बात कर रहा हूं। तो आइए दोस्तों, जीएस पेपर 2 की अगर हम बात करें, दोस्तों जीएस पेपर 2 मेंस, इसको दो सेक्शन में बांटा गया है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए एंड सेक्शन राइट नाउ, इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो सेक्शन ए है, बाकी सब सही चल रहा है, एकदम माहौल बढ़िया है। हाँ, यू कैन अप्लाई नीतीश, यू कैन अप्लाई। तो ओके एवरीवन, चलो। तो दोस्तों, जो सेक्शन ए है, इस सेक्शन ए में आप लोगों का यहां पे देखो जो लिखा है राजनीति, मतलब अगर हम बात करें तो पॉलिटी, तो पॉलिटी सेक्शन ए हो गया। और अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी को मैं और हमारा पेपर तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है, पहला, दूसरा और तीसरा। जो सबसे पहला पार्ट है वो है यहां पर इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो ये हमारा सबसे पहला पेपर है, सेक्शन बी का पहला पार्ट है। दूसरा है इकॉनमी ऑफ एमपी, दोस्तों जो एमपी की इकॉनमी है, मध्य प्रदेश की इकॉनमी है। और जो तीसरा पार्ट है उसमें आ जाता है सोशियोलॉजी, जो हमारा समाजशास्त्र है। मेरे प्यारे साथियों, ये है हमारा सेक्शन बी ऑफ मेंस जीएस पेपर 2। इसमें जो अगर मैं बात करूं तो पेपर 2 की बात करूं, सेक्शन पे जीएस पेपर 2 के सेक्शन बी की बात करूं, तो इसमें पहली यूनिट इसके लिए डिवाइड, मतलब पहला पार्ट 5 यूनिट मान के चलो आप लोग, सेक्शन बी की 5 यूनिट ही हैं। पहला इसके लिए है, दूसरी यूनिट इसके लिए है, और सोशियोलॉजी समाजशास्त्र के लिए तीसरी, चौथी और पांचवी यूनिट है। तो दोस्तों, ये है हमारा फॉर्मेट जीएस पेपर 2 मेंस, और मेंस में सेक्शन बी, जीएस पेपर 2 का सेक्शन बी, उसमें पहला इंडियन इकोनॉमी, दूसरा एमपी की इकोनॉमी और तीसरी सोशियोलॉजी, राइट। इसमें अगर मैं बात करूं तो मैं आपको सिर्फ इतना पार्ट पढ़ाने वाला हूं बस। अगर जैसे कि हमने देखा कि जो तीनों पार्ट हैं वो 300 मार्क्स के हैं, मतलब जो दोनों सेक्शन होंगे, इसमें सेक्शन ए होगा और सेक्शन बी होगा, 150 नंबर का ए है और 150 नंबर की बी है। जो 150 नंबर हैं, इसमें 150 में से अगर मैं बात करूं तो लगभग हम इसको मान के चल लेते हैं, एमपी और यहां की इकोनॉमी को अगर मैं डिवाइड करूं, भी मैं दिखाऊंगा, तो लगभग आप ये मान के चलो 50 से 70 नंबर आप ऐसे लेके चलो। तो ये मेरा वेटेज है इकोनॉमी का, 50 से 70 75 तक हम कह लेते हैं, ये हमारा वेटेज है, राइट। बाकी का इन दोनों का वेटेज हो जाएगा, आप 50-60 ऐसे लेके चलो कि ये मेरा मेंस का वेटेज है। और मैं पहली क्लास में यहाँ पे खड़े होकर कैमरे के सामने और आप लोगों के सामने ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस आए सारे के सारे आप लोग करोगे ही नहीं, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर आप लोग यहाँ पे स्कोर करोगे, ये मेरी आज गारंटी है। और दोस्तों, एक बहुत आदत है मेरी कि पहले दिन मैं बोलता हूँ सेम सेंटेंस, और जब क्लासेस फिनिश हो रही होंगी, सारी बातें जो आज मैंने बोली, तब मेरे बच्चे मतलब आप सभी लोग मुझे बोलेंगे। तो मुझे उम्मीद है, जल्दी से मुझे डबल थम्स अप कर दो, क्या मेरा
कॉन्सेप्ट और वेटेज समझ में आ गया कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है इस क्लास का और हम कहाँ तक जाने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से मुझे सारे लोग कमेंट करके एक बार ये बता दें। राइट, यस, भारती जायसवाल डीएसपी बनने वाली हैं, एसडीएम सोच रही हैं अपने आप को और पूछ रही हैं आप एक ही यूनिट पढ़ाओगे। तो अगर मैंने कहा कि मैं इंडियन इकोनॉमी पढ़ाऊंगा एक ही यूनिट तो ये सवाल भी नहीं बनता। सवाल पूछो ऐसे जिसमें टीचर का मन खुश हो जाए, टीचर को लगे वाह क्या दिमाग है आपके अंदर, क्या जवाब सवाल पूछा, ऐसे सवाल आने चाहिए क्लास में। वो खलासियों वाले नहीं कि तैयारी कर रहे तुम एमबीबीएससी की, सवाल पूछ रहे तुम सिपाही के एग्जाम वाला। राइट, वो वाला नहीं यार, सवाल पूछो स्मार्ट बनो। तो दोस्तों आने वाली क्लासेस में ना कि पढ़ाएंगे साथ में स्मार्ट बनाने का भी इस तरीके से ज्ञान देते रहेंगे, बीच बीच में डांटते रहेंगे, सामने होते तो दो खींच के भी मार देते, क्यों बड़े भाई की तरह इतना अधिकार तो रखते ही हैं। चलो, तो डबल कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया सर, थैंक यू भावना। तो दोस्तों ये है आप लोगों का सर इंदौर में, ये मैं नहीं, मुझे नहीं पता अभी फिलहाल इसके बारे में कोई भी बातें। तो अब 1350 का ही करना है, 50 तो हो जाएगा। तो हाँ मतलब ये कैलकुलेशन तुमने सही लगाई। राइट, यदि आप सारे सब्जेक्ट पढ़ाएं तो मैं डिप्टी कलेक्टर बन जाऊं। अरे भैया नहीं नहीं, हमारी जो टीम है बहुत ही शानदार टीम है, डेफिनेटली आप बनोगे। राइट, चलो तो ये हमारा पोर्शन है। तो मैं आपको बता दूं तो जो हमारा टोटल मेंस है तो इसमें लाइक 1575 नंबर का टोटल होता है इंक्लूडिंग मेंस, और ये 175 नंबर का इंटरव्यू। तो अगर हम 1400 नंबर की बात करें तो 1400 में हमारा वेटेज मात्र इतना सा है, क्लियर बता दिया, 50 से 70। आते हैं दोस्तों चूगी, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ओरिएंटेशन में हैं। पहले दिन हम लोग अपने आप को, आप मुझे, मैं आपको जानने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जैसे आप मुझे देख रहे हैं कि भाई ये टीचर कैसा पढ़ाएगा, क्या करेगा, आता भी है इसको या नहीं आता, केजीएस पे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। ऐसी एक शिक्षक भी ये देखता है कि क्लास के अंदर कैसे स्टूडेंट हैं। तो एक दूसरे से रूबरू होने की हम कोशिश कर रहे हैं आज पहले सेशन में। सर जी आपसे पढ़ेंगे तो सब स्मार्ट हो जाएंगे, थैंक यू सो मच, आज पहले ही दिन है इनका, ठीक है अभी ये लोग समझ जाएंगे। तो नाउ थैंक यू सर इतना कॉन्फिडेंस देने को। सर आंसर राइटिंग कॉपी से चेक होगी हमारी, यस डेफिनेटली, हमारी इसके लिए अलग से टीम है, आप क्वेश्चन भेजेंगे और उसके लिए आपको समय समय पर बता दिया जाएगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें। फिलहाल अभी क्लास शुरू हो रही है तो आप फिलहाल इसको ही ध्यान पर सोचें, आप ये देखने की कोशिश करें कि क्या यहाँ से जुड़ना आपके लिए फायदेमंद होने वाला है या नहीं। नाउ अगर हम देखो, जैसे मैंने कहा कि जो जीएस का सेकंड पेपर है, GS2 है, जो GS2 का पार्ट बी, ये देखो GS2 का पार्ट बी थी, लिखा है सेकंड पेपर पार्ट बी में इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी। इकोनॉमिक्स में एक इंडिया की इकोनॉमी, एक एमपी की इकोनॉमी है, तो जो एमपी की इकोनॉमी है जब आप एमपी स्पेशल पढ़ेंगे तो उसमें एमपी की इकोनॉमी भी पढ़ लेंगे। एमपी की इकोनॉमी आप कब पढ़ पाएंगे मैं आपको ये भी बता देता हूँ, एमपी की इकोनॉमी आप जब पढ़ पाएंगे जब आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो जब आप यहाँ पे मेरी क्लास में पूरी के पूरे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेंगे और फिर साथ में कोई पढ़ाए या ना पढ़ाए वैसे आपको पूरा बकायदा यहाँ पे पढ़ाना होगा, लेकिन मैं इन जनरल टर्म्स बोल रहा हूँ। तो आप उसके बाद इतनी आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए सब्जेक्ट को लेकर, खुद किताब खोलो, खुद पढ़ो, कम ऑन, यस ऑर नॉट। तो हमारे पेरेंट्स क्या काम करते हैं, सिर्फ उन्होंने पैसा दे दिया, आपने केजीएस में एडमिशन ले लिया, हमने क्या किया आपको पढ़ा दिया, सारा काम तो आपने ही करना है, पढ़ने का सारा काम तो आपका ही होगा ना। चलो तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। इकोनॉमी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या इंडियन इकोनॉमी प्रीलिम्स के लिए, इकोनॉमी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी, हम दोनों को एक ही मान के चलते हैं, क्यों बाद में पता चल जाएगा, इंपॉर्टेंट है। चलो अगर हम मेंस में बात करें तो देखो मेंस में पहली यूनिट दी गई है भारत में कृषि उद्योग और सेवाओं के क्षेत्र में मुद्दे और पहल। तो क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, करंट से ज़्यादातर क्वेश्चन होता है, क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या लाइक मुद्दे हैं और क्या क्या पॉलिसीज हैं जो भारतीय सरकार ने, भारत की सरकार ने कृषि उद्योग और सेवाओं से संबंधित काम किया है। दूसरी यूनिट है दोस्तों मेंस में भारत में राष्ट्रीय आय का मापन, द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इन आर कंट्री। तो हम पूरा का पूरा इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। देन हमारा है भारतीय रिजर्व बैंक और वाणिज्यिक बैंकों के कार्य, वित्तीय समावेशन एंड मौद्रिक नीति।
तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमसे कहा गया फंक्शंस ऑफ आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक्स फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड मॉनेटरी पॉलिसी। दोस्तों इस पूरी यूनिट को हम बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे और बढ़िया तरीके से समझाएंगे। नया चौथे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया गया अच्छी कराधान प्रणाली की विशेषताएं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, सब्सिडी, नगद लेन देन, राजकोषीय नीति। टैक्सेशन से संबंधी है तो अगर हम बात करें, मैंने इस यूनिट को नाम दिया है पब्लिक फाइनेंस लोक वित्त, जिसके अंदर हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक बजट और दूसरा टैक्सेशन। दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पे पीडीएस डायरेक्ट दे रखा है, तो हम पीडीएस के बारे में अच्छी तरह चर्चा करेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन प्रोबेबल है यहाँ से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस। साथ में करंट ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड रीजनल इम्बेलेंसेस, जो क्षेत्रीय असमानता है, जो गरीबी है, बेरोजगारी है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्तमान चुनौतियाँ क्या क्या हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। नाउ इनके अलावा छठवीं और लास्ट चैप्टर जो है वो हम नाम दे देते हैं फॉरेन ट्रेड, और हम नाम दे देते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमी, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, जिसमें पूछा जाएगा हमसे इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में। इसमें हमसे पूछा जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन, रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल, विदेशी पूंजी का भारत में रोल क्या है, साफ साफ क्वेश्चन आ रखा है यहाँ से। नेक्स्ट मल्टीनेशनल कंपनीज एमएनसीज, एफडीआई पर क्वेश्चन आ सकता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, देन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, अभी रिसेंटली हमारी पॉलिसी भी आई है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एडीबी हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, आसियान, सार्क, नाफ्टा एंड ओपेक, मतलब कुछ अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमी से रिलेटेड जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, हम वो लास्ट में भी करेंगे। चलो तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके के हमारे क्वेश्चंस पीटी और मेंस में आए हुए हैं, सो दैट आप अपनी स्ट्रेटजी उसी तरीके से बना पाएं। नाउ सर जी, हमें कुछ ऐसी बातें बताइए जो हमें पूरी तैयारी के समय ना करें, और ऐसा क्या करें जिससे सफल हों, बिल्कुल बताएंगे, लेकिन आने वाली क्लासेस में बीच बीच में अपने आप निकलेगा तब आप बता पाएंगे, अभी ये निकल रहा है। नाउ सर, मैं ट्यूशन पढ़ाती थी उसी से सेविंग में मैंने फीस पे करी है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, शाबाश। स्कूल में पढ़ाती थी तो प्रिपरेशन के लिए, ओके चलिए ठीक है, और कोई कमेंट्स तो नहीं रह गया, देख लूँ मैं। यस बिल्कुल दिव्या कुमारी, केजीएस में सारे टीचर्स ही काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं, थैंक यू सो मच, ऐसे कॉमेंट्स किया करो यार। यस सर आप तो चलो ना, यस क्लासेस 100% रेगुलर रहेंगी, केजीएस इज नोन फॉर इट्स लाइक रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी एंड फिनिशिंग सिलेबस ऑन टाइम, राइट, ये हमारी यूएसपी है दोस्तों। ना तो अगर हम बात करें, देखिए ये मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले, पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जैसे मैंने आपको साफ साफ बताया कि जो 2022 में तीन क्वेश्चंस आए, एक आरबीआई से आया, एक नीति आयोग से आया, इसके अलावा अगर हम कहें एक जनरल क्वेश्चन इकोनॉमी का था, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे क्या होगा, राइट। नाउ इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, देखिए द ऑम्बड्समैन स्कीम फॉर एनबीएफसी, तो एक बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम से आया था, तो हम लोगों ने प्रिलिम्स में बहुत ही शानदार तरीके से ऑम्बड्समैन स्कीम डिस्कस करी थी। देन दोस्तों हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, मतलब वही आप आईएमएफ के बारे में सवाल पूछा गया था, सिर्फ आप एक झलक देखो बस, फिलहाल हम मेंस को भी फोकस ज़्यादा कर रहे हैं, तो फिलहाल अभी हम मेंस के लिए ध्यान देंगे, पीटी तो अपने आप हो जाएगा, इसकी मैं वैसी गारंटी ले रहा हूँ, बिल्कुल चिंता नहीं करना। एक क्वेश्चन आया था कौन सा मंत्रालय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का है, जो विदेशी व्यापार नीति से संबंधित है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। एक और सवाल था विच टू सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश इंक्लूडेड इन टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था उस समय का, पुराना सवाल था, अब ऐसा कुछ क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको। देन प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएनओ, देखो ऐसे सवाल आए। तो अगर हम लोग प्रिलिम्स की बात करें, ये देखो फर्स्ट वाइस चेयरमैन पूछा गया नीति आयोग का, और इस बार पूछ लिया गया नीति आयोग को के वाइस चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है, तो मैंने कहा था बड़ा प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन था, पीछे भी नीति आयोग से सवाल आ चुके हैं, ये मैं सिर्फ आपको पीछे के क्वेश्चंस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। नाउ ओके खुश रहो पुष्पेंद्र, खुश रहो, कैसे हो आप,
वहाँ से रिजाइन, ठीक है बाद में बात कर लेंगे थोड़ा ना। एक बंद अर्थव्यवस्था से सवाल आया, देखेंगे जरा बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है। एक और सवाल आया दोस्तों यहाँ से, देखिए वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से एक क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा ही सवाल था, सरल सवाल था, कौन सी समिति थी। एक सवाल पूछा गया कि भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष शुरू हुई। ये लो दोस्तों ये इतना इजी सवाल, जनगणना से सवाल आएंगे ही आएंगे, उस पर मैं आपकी स्ट्रेटजी प्रिलिम्स की क्लास के बीच बीच में जब बातें होंगी तब मैं आपको प्रिलिम्स की अलग से स्ट्रेटजी बनाऊंगा। फिलहाल हम लोग जो सेशन स्टार्ट करेंगे वो मेंस के साथ करेंगे, और मेंस और उसी में प्रीलिम्स, क्योंकि इकोनॉमी में अगर हम देखें तो हमने सिलेबस देखा है कि प्रीलिम्स और मेंस का जो सिलेबस है वो बिल्कुल ही इंक्लूडेड है, एक दूसरे में मिला हुआ है, तो कुछ भी अलग नहीं है। प्रीलिम्स में टिक मार रहा है, मेंस में वही लिखना है। मेंस की भी बात करेंगे, अप्रोच क्या होगा। 2011 की जनगणना से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। एक पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान से एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, मतलब हम ये मेंस में नहीं है लेकिन इसको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग से कर लेंगे। राइट ना, एसबीआई की स्थापना कब हुई। इतने सरल सवाल, मतलब यार ऐसे सवाल आते हैं प्रीलिम्स में। आज ही एमबीबीएससी के अदर टीचर से बात हो रही थी तो मैंने उनको, लाइक हम लोगों ने बात करी आपस में कि आपका जो प्रीलिम्स का पेपर है वो सिपाही से भी सरल पेपर है। पता नहीं ऐसा कमीशन क्यों करती है, लेकिन कमीशन जो करती है तो मैं इसे अप्रिशिएबल टास्क कहूंगा। वो इसलिए क्योंकि देखो जो प्रीलिम्स है, जैसे इस बार अगर मैं यूपीएससी की बात करूं, आईएएस के एग्जाम की बात करूं, तो इस बार यूपीएससी ने बड़ा ही बेतरकीब बेहुदा बकवास सा एग्जाम लिया। एक्सक्लूडिंग इकोनॉमिक्स, अगर मैं अपने इकोनॉमिक्स के पोर्शन की बात करूं तो वो ठीक था लेकिन थोड़ा सा उलझाऊ था, थोड़ा सा। 14 क्वेश्चंस थे, 3 क्वेश्चंस आप उलझने वाले मान लो, बाकी ये 11 क्वेश्चन नॉर्मली अपने डिस्कशन से रहते हैं। इस बार के यूपीएससी की बात कर रहा, लेकिन फिर क्या हुआ कि बहुत सारे लोग आ गए, कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, फलाना ढिमाका। लेकिन एमबीबीएससी बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि प्रीलिम्स इज जस्ट अ स्क्रीनिंग टेस्ट। तो दोस्तों इसे समझो, यहीं से अपनी बेस बनाओ और बिल्कुल मेरे छोटे भाई बहनों की तरह अपने बड़े भाई समझकर मुझे ईमानदारी से समझने की कोशिश करो। अपना ही एक सदस्य में मुझे भी शामिल कर लो, क्योंकि मैं कोई एलियन नहीं हूं, ना कोई अलग ऐसे कहीं से आया हूं, मैं बिल्कुल आपके बीच का ही, आपका ही एक सदस्य हूं और आपके परिवार की तरह ही आप लोगों को ट्रीट करते हुए पूरी इकोनॉमी की बातें करेंगे। तो दोस्तों जो प्रीलिम्स होता है ना वो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, लेकिन हमारे बच्चे क्या होते हैं, लगे रहते 8-10 महीने प्रीलिम्स ही पढ़े जा रहे। तो दोस्तों अपनी पढ़ाई शुरू करो सिर्फ मेंस से। प्रीलिम्स तो स्क्रीनिंग टेस्ट है, स्क्रीनिंग का मतलब आप अंदर आ जाओ या बाहर चले जाओ, बस एक कट ऑफ बना दिया बेंचमार्क, इससे ऊपर नंबर आ गए अंदर, ना उसके मार्क्स जुड़ेंगे ना उसका कोई वेटेज है। तो इसका मतलब आप भी एग्जाम को एग्जाम की स्ट्रेटजी बनाकर बीट करो। मतलब क्या कि मैंने कहा स्क्रीनिंग टेस्ट है तो लोड नहीं लो, ऐसा नहीं लगे पीटी तैयारी कर रहा है, पीटी पीटी पीटी, और दोस्तों फिर पीटी के बाद पीटी इतना बढ़िया कर लिया कि दोस्तों पीटी क्वालिफाई हो गया और मेंस रह गया, तो क्या फायदा यार। अभी 21 मई को हुआ, अक्टूबर में हमारा मेंस होना। मान लो किसी ने इतनी पीटी में जान लगा दी हो जिसका पीटी 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 हो गया हो, अब भाई साहब मेंस में क्या होगा, रह गए आप। इसलिए मेंस से तैयारी शुरू करो, पीटी को अपने आप उछका दो, और फिर पीटी के बाद 5 महीने जो तुमने पढ़ा उसे दैत दनादन रिवाइज करो। इतने बार रिवाइज करो, 100 से 300 से 500 से ज्यादा बार, क्यों काम तो पापा ने एक ही दिया ना पढ़ने का। इतने बार रिवाइज करो, इतना लिखो इतना लिखो इतना रिवाइज इतना लिखो कि भाई साहब एग्जामिनर भी तुमसे कहे कि भाई तुम्हारी ही मुझे तलाश थी, तुम ही को मैं ढूंढ रहा था। दोस्तों जो मैं बताऊंगा क्लास में वैसी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, याद रखना। राइट नाउ, तो दोस्तों इतना ही इजी क्वेश्चन आया, बड़ा ही इजी, कि एसबीआई बीएसबीआई कब बना। स्क्रीनिंग टेस्ट है ना, इसलिए लगे नहीं रहो पीटी में, स्ट्रैटेजी बनाओ, मेक योर स्ट्रैटेजी लाइक दैट। आई थिंक मेरे बच्चे मुझे समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छे से। मैं न्यू हूं और मेरा भी अभी तक भी इकोनॉमी नहीं पढ़ी है, कोई बात नहीं मैंने पूरी पढ़ रखी है। राइट ना, कौन था ये,
कुछ दिनों बाद कमेंट्स मेरे सामने होंगे तो मुझे बहुत सहूलियत होगी पढ़ाने में, राइट। अभी कमेंट्स थोड़े साइड में हैं तो मुझे बड़ी दिक्कत हो रही यार, बार बार मैं ऐसे जेखड़ा झुक कर, तो अभी मेरे पास कमेंट्स जब ऐसे जाएंगे तो मैं बहुत स्मूथली अपनी क्लास को पढ़ा पाऊँगा, राइट। तो आप माँ थैंक यू सो मच। तो कौन था ये जो मैं अपने देख कैसे दिखना पड़ रहा मुझे, एप्स दुबे, ओके। तो हमारे किसी प्रिय स्टूडेंट ने सनमन ने कहा कि एप्स दुबे हमारे गुरुजी से पढ़ोगे तो ये शब्द भूल जाओगे कि इकोनॉमी से डर लगत है। तो अब इकोनॉमी से तुम्हें डरने नहीं जा, अब आ गए हम और केजीएस है तुम्हारे संग है, चिंता ना करो, कम ऑन। देखो भैया प्रिलिम्स के सवाल देखो कितने। अब हम आते हैं मेंस पर। तो प्रिलिम्स का हमने देख लिया, स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग में निकाल देंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। इतना रगड़वाएंगे तुम लोगों को, इतना पढ़ाएंगे, तुम भी कहोगे केजीएस पढ़ाता बहुत है। आओ यहाँ देखो आगे, अगर हम सेक्शन बी की बात करते हैं, कौन सा, जीएस पेपर टू, ये देखो लिखा है जीएस पेपर टू, ये आपके मेंस से ही मैंने डायरेक्ट उठाया। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो मेंस का पहले फॉर्मेट समझ लो, मेंस में हर सेक्शन में सेक्शन ए और सेक्शन बी, सेक्शन ए 150 और सेक्शन बी भी 150, राइट। इसका पहले समझो, इसमें तीन तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है वेरी शॉर्ट, पहले समझो आप लोग अच्छी तरह समझो और फिर हम आगे चलेंगे। फिर एक आता है शॉर्ट और एक आता है लॉन्ग। ये लो साफ साफ देखिए, जो शॉर्ट है उसे आपको या तो 10 वर्ड में लिखना है या एक लाइन में लिखना है बस। मतलब यहां पर आपको तीन नंबर मिल जाएंगे 10 वर्ड लिखने के, बिल्कुल 10 वर्ड लिखने के तीन नंबर आपको मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं शॉर्ट वाली, तो आप जरा शॉर्ट को देख लो। शॉर्ट में क्या है, 50 वर्ड लिखने हैं, 5 से 6 लाइनें लिखनी है और 5 नंबर मिल जाएंगे आपको। मतलब अगर हम बात करें तो आप 50 वर्ड लिखोगे तो आपको 5 नंबर के क्वेश्चन में 50 वर्ड लिखने हैं। फिर आते हैं हम जरा मेंस पर, लॉन्ग क्वेश्चन पर। आप लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन में 200 वर्ड लिखने हैं आपको और आपका जो एक क्वेश्चन है वो वहां पर देखो जरा, लाइक 11 नंबर का क्वेश्चन है आपका, एक देखिए 11 अंकों का है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 11 अंक का आपका एक क्वेश्चन यहां पर ये हो गया, राइट। ये इस बार का है 2020, इसके बाद अब होगा 2022 में। तो आप अगर ध्यान से देखें तो आपका एक यहां पर हो गया, 11 नंबर का क्वेश्चन है, 200 वर्ड लिखने हैं। सबसे बढ़िया है जब हम कमीशन की तैयारी करते हैं तो हमें वर्ड लिमिट पे बहुत ध्यान रखना है। अगर मान लो एग्जामिनर आपसे कह रहा है या तो एक लाइन लिखें या 10 वर्ड लिखें, तो आप 10 के 15 वर्ड कभी करने की कोशिश ना करें। आप ये ना सोचें कि एग्जामिनर को मैं इंप्रेस कर देती हूँ या देता हूँ, 10 वर्ड पूछे, मुझे तो 50 वर्ड आते, और भाई साहब आपने 50 वर्ड लिख दिए, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, याद रखना। दोस्तों यहाँ पे तीन लाइन तीन नंबर 5 नंबर और 11 नंबर का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का भी होता है यहाँ पर। तो 15 मार्क्स के आ जाएंगे तो आपके 3 आ जाएंगे यहाँ पे, 10 3 3 नंबर के अगर हम ध्यान से देखें तो देखो 45 हो गए, यहाँ पे 55 कर दिए और यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस हो गए, तो टोटल मिला के 150 में से। अब इकोनॉमी देखते हैं, देखो इकोनॉमी का 2020 का जो लास्ट पेपर हुआ था, 21-22 में नहीं हुआ, मतलब 21 का नहीं हुआ, 22 का अब होगा, राइट। तो अगर हम 2020 का मेंस देखें तो हमारा देखो ये बताओ, कछु समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो, पहले जब बताओ फिर हम आगे चल है, जल्दी से। सर सिर्फ 10 दिन पढ़ाए थे और तीनों क्वेश्चन आ गए थे पेपर में, पुष्पेंद्र कुमार कह रहे हैं, थैंक यू सो मच पुष्पेंद्र। और बिल्कुल चुनिंदा, ऐसे ही मेंस के लिए ऐसे ही इस बार भी खतरनाक जलवा दिखाऊंगा दोस्तों इकोनॉमी का, अपना नहीं, अपना जलवा तो मैं अपनी सिर्फ बीबी को दिखाता, तुम्हारे लिए इकोनॉमी का जलवा दिखाऊंगा, कम ऑन, मजाक कर रहा था यार ना। तो सर ओके थैंक यू प्रद्युम, थैंक यू सो मच सर पढ़ाने के लिए, आपने पढ़ा रहे दिया था आइडिया दिए दिया, चलिए ठीक है जी सर, आप पढ़ाएं और समझ में ना आए, ठीक है आ रहा है आ रहा हो, सबको समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो, सही सी बताइयो, बिल्कुल झूठ ना बोलियो, विद्या माता कसम है तुम लोगों को, राइट। तो चलो ना समझ आ रहा है, सब कुछ समझ आ रहा है, चलो
अब देखो देखते हैं तो यार P20 में जरा एनालिसिस कर लेना आज की क्लास में, फिर लास्ट में 1 घंटा इंट्रोडक्शन भी देंगे इकोनॉमी का, और याद से सुन लो, ध्यान से सुनो, कम से कम इकोनॉमी का जो इंट्रोडक्शन चलने वाला है वो 2 क्लास में तो होगा ही, कम से कम 2-2.5 क्लास में होगा। जो पुराने स्टूडेंट्स थे उनके लिए पहली क्लास थोड़ी सी लाइक जो उनने पढ़ा था उसी में से हम बात करेंगे, क्योंकि इकोनॉमी का सबसे पहले इंट्रोडक्शन होना चाहिए, फिर हम टॉपिक स्टार्ट कर देंगे राइट नाउ। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला प्रश्न 1.1 देखिए, कृषक उत्पादक संगठन योजना क्या है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन स्कीम। तो बहुत ही फेमस टर्म होता है एग्रीकल्चर में, दैट इज FPO, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, कृषक उत्पादक संगठन, इनकी हम अलग से बात करेंगे, पढ़िया जब हम एग्रीकल्चर वाला पोर्शन पढ़ेंगे। दूसरा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की प्रक्रियाएं, या इसी को हम कह लेते हैं मुक्त बाजार प्रचलन। क्वेश्चन पूछा गया ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, बताएंगे ही नहीं, ऐसा ज्ञान देंगे कि तुम 60 साल की उम्र में भी किसी को पढ़ा रहे होगे कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ना कि ये भी गारंटी लेते हैं दोस्तों, प्री और मेंस तो भूल जाओ, आज से लेकर जब तक आप इस धरती पर जियोगे, जब तक के लिए आपका वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट होगा तो वो इकोनॉमी होगा। इस बात की आज मैं बात कर रहा हूं, 7-8 क्लास बाद आप बात करेंगे, ये मेरा अभी से ही गारंटी है आपको। नाउ नए स्टूडेंट्स के लिए, पुराने स्टूडेंट जानते हैं कि हवाबाजी बिल्कुल नहीं हो रही, नहीं तो पहली क्लास में आकर हर कोई हल्ला मचा दे, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, 4-5-10 क्लास बाद उसकी हवा निकलने लगे, पता पड़े भाई साहब ये करूंगा वो करूंगा कुछ तो कर नहीं रहे, बच्चे कमेंट्स कर रहे गुरुजी का पढ़ा रहे कछु समझ नहीं आ रहा। लेकिन दोस्तों तुम लोग मुस्कुराकर, मतलब इकोनॉमी का गदगद हो जाओगे, इतनी पूरी कोशिश करूंगा मैं अपना पूरा बेस्ट देने का आप लोगों को। तीसरा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय SDR, दोस्तों स्पेशल ड्राइंग राइट्स, विशेष आहरण अधिकार, ऐसा पढ़ाएंगे कि तुम्हारे दिमाग में क्या दिल में भी बच जाएगा राइट नाउ। तो अंतर्राष्ट्रीय विशेष आहरण अधिकार देख लेंगे। देखो दोस्तों, अगर हम बात करें 2020 की, तो 3-3-6-3-9 9 नंबर यहां से आपके आ गए, ये क्वेश्चन हो गए इकोनॉमी के। इसके बाद जो क्वेश्चंस थे, देखो यहां पर पूरे जो 15 क्वेश्चंस हैं, तो मुझे सिर्फ 3 क्वेश्चंस यहां से मिले। ध्यान सुनना, अगर आपको मेरा फॉर्मेट बनाया हुआ याद होगा तो आपने सुना होगा कि सेक्शन बी में मैंने आपको क्या क्या बताया था, फिर से एक बार मैं रिकॉल करने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, जरा देखना दोस्तों। यहां देखो, मैंने आपसे कहा था इंडियन इकोनॉमी, MP की इकोनॉमी, सोशियोलॉजी। तो MP की जो इकोनॉमी है वो आपको MP स्पेशल में पढ़ लोगे, सोशियोलॉजी आप अलग से पढ़ लोगे, इंडियन इकोनॉमी दोस्तों मैं आप लोगों को पूरा कवर कराऊंगा राइट। तो इसमें अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस में देखें, तो शुरू के जो 3 क्वेश्चंस थे वो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस थे, आप 2020 का पेपर उठा के देख लेना, बिल्कुल ऐसा ही आपको मिलेगा। आते हैं दोस्तों इसके बाद, अगर हम इसके बाद बात करें तो नेक्स्ट देखो, अब यहां पे आपके 10-10-5 राइट, द क्वेश्चंस कंटेन 10 शॉर्ट आंसर्स टाइप। तो दोस्तों आपके 5 नंबर का सवाल है, देखिए पहला सवाल क्या दिया गया, मैंने अभी भी आपसे कहा था फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे क्वेश्चन आया था, तो देखिए दिया गया, भारत के आर्थिक विकास में विदेशी सहायता की भूमिका की विवेचना कीजिए, आपको बताना है, डिस्कस द रोल ऑफ फॉरेन असिस्टेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो फॉरेन असिस्टेंस का रोल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अलग से बात होगी। भारत में क्षेत्रीय असंतुलन के कारण लिखिए, रीजनल इम्बेलेंस, मतलब मुझे बहुत अच्छी बात क्या लगी, जैसे UPSC है ऐसे ही MPPSC है, सिलेबस दे दिया और उसी सिलेबस में सवाल पूछते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल एक गुरु मंत्र दे देता हूं आज DSP बनने का या SDM बनने का, एक गुरु मंत्र सुन लो मेरा, कि मेंस के सिलेबस के एक एक वर्ड को पूरा ऑलराउंड तरीके से कवर कर लो बेटा, रैंक अंडर 10 आपकी होगी, याद रखना। लेकिन ऐसा कोई करेगा नहीं, जो करेगा उसकी रैंक ही रैंक बरसेगी, बस मैंने एक ही बार बोल दिया आप समझ गए। जैसे जो मैंने सिलेबस बोला ऐसी हिस्ट्री का होगा, ज्योग्राफी का है, पॉलिटी का है, अदर सब्जेक्ट्स का भी है,
तो आप लोगों को सिर्फ एक ही काम करना है और वो ये कि एक एक वर्ड लिखा है जो मेंस के सिलेबस में, उस वर्ड का क्या मतलब है, उसका अगर इतिहास है तो, उसका प्रेजेंट है तो, साथ में उसके प्रोज एंड कॉन्स, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट्स एंड नेगेटिव इफेक्ट्स, मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज, मतलब अच्छा और बुरा। इसके अलावा अगर उस कोई और टॉपिक है तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या उसकी चुनौतियां हैं, उसके क्या क्या अलग अलग डायमेंशन है, आयाम है। तो आप हर एक टर्म को इस मल्टी टास्किंग तरीके से कवर कर लो, राइट। तो हर एक को आप इस मल्टी टास्किंग तरीके से, मतलब जैसे मैंने कहा मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ आप उसे कर लीजिए। तो आप इस तरह से मल्टी डायमेंशनल अप्रोच बनाकर जब आप पढ़ेंगे, मेंस बिल्कुल सिलेबस ओरिएंटेड ही आता है, ऐसा मैंने पिछले 5 साल के पेपर्स देखे, और आप लोग मेंस को 100% प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये होगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? तो बस आपको ऐसे ही करना है ना। चलो, लैंग्वेज बहुत मस्त लग रही है सर, वो बोला करना क्लास में बीच बीच में। ओके भावना, चलो। तो एक बात आपने आज सीख ली, कहीं साइड में लिख लो, मेंस के हर एक टॉपिक को मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ कंप्लीट करना है हर विषय में ना। अब देखिए, अब सिर्फ दो ही क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी से आए, एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे आया, एक रीजनल इम्बेलेंसेस पे आया। हाईलाइट द फेवरेबल फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन मध्य प्रदेश। ये मैंने आपको सिर्फ झलक देने की कोशिश करी है। मैं आपको MBBSC नहीं कराने, MBBSC में जो MP की इकोनॉमी है वो आपको लाइक प्रमोद राणा सर कराएंगे और बहुत ही शानदार तरीके से कराएंगे, राइट नाउ। तो यहाँ पे जरा ध्यान देखिए, मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास में अनुकूल कारकों पर विकास डालिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जब आप इकोनॉमी सीख जाएंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट बोला था कि इकोनॉमी मैं सिखा दूंगा, MP की इकोनॉमी प्रमोद राणा सर करवा देंगे, बाकी की मेहनत आप कर लेंगे नाउ। तो देखिए, हाईलाइट द फेवरेबल फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हमारे भारत में क्या क्या हो रहा है ये मैं करा दूंगा। इसी को आपको कनेक्ट कर लेना है कि MP में क्या क्या हो रहा है, तो आपका MP कवर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात से समझ, तो जल्दी से मुझे बताइए ईमानदारी से समझ आ गई मेरी स्ट्रेटजी। तो आप जरा ध्यान से देखो, तो 5-5 नंबर के ये एक क्वेश्चन हमें यहाँ मिल गया इकोनॉमी का, राइट। ये 2020 के पेपर का पूरा विश्लेषण है आप लोगों के सामने। आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट है। अब आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे, 5 लॉन्ग क्वेश्चन जिन्हें मैंने बताया था 200 वर्ड में लिखना है। एक क्वेश्चन 11 नंबर का आपको मिलने वाला। तो आप देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे इत्तेफाक से ये मैंने पढ़ाया था आपको, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पढ़ा के भेजता तो आप इसके छड़ियाँ उड़ा देते, क्योंकि जो मेरे नाम के आगे डॉक्टरेट लिखा है, तो चूंकि मेरा जो डॉक्टरेट का टॉपिक है वो भी यहीं से था, वो भी यही था फाइनेंशियल इंक्लूजन। थीसिस कभी निकाल के दिखाऊंगा, अंदर पड़ी है मेरी अलमीरा में, यहाँ साइड में मैंने अलमीरा बना रखी पूरा सेल्फ, तो वहाँ पे पड़ी है, अभी बहुत सारी किताबें उसके ऊपर रखी, तो मैं साइड से कभी निकाल के दिखाऊंगा। बड़ा बड़ा मेरा यही रिसर्च का टॉपिक ही रहा है और अभी भी मैं इसी पे बहुत काम करता हूँ, नेशनल और इंटरनेशनल तमाम सारे आर्टिकल्स अलग अलग जर्नल्स में प्रिंट होते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, विद द नेम ऑफ डॉक्टर भरत कुमार रजक। दोस्तों, तो ये वित्तीय समावेशन, ये हमारे MBBSC ने मेंस में साफ साफ लिखा था, अभी मैंने पढ़ा था आपके लिए, देख लो आप एक बार। चलो भूल जाते हैं क्योंकि हमारे प्रिय बच्चे हैं, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे आपको एक जगह मिलेगा, ये देखो बिल्कुल साफ साफ लिखा है वित्तीय समावेशन, ये देखो। इससे पहले जैसे अगर मैं बात करूँ तो जो क्वेश्चन पूछा इसके बाद, फॉरेन इन्वेस्टमेंट विदेशी निवेश, राइट। तो यहाँ पर हाँ, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखो, यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये देखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये फॉरेन कैपिटल का क्या रोल है। मतलब मैंने आपसे जो कहा ना, गांठ बांध लो दोस्तों, जो बच्चे 6-6, 7-7 साल 5-5 साल से पंचवर्षीय योजना 10 वर्षीय योजना MBBSC के लिए लगे हैं, पता नहीं वो क्या करते, कौन से ग्रह से आए
और उन वो कहाँ से जुड़े, क्या उन्हें गाइडेंस मिला। एक ही गाइडेंस मैंने दे दिया, बस तुम्हारी मंजिल, चलते जाओ SDM, वहाँ दिखोगे तुम। क्या MPPSC के सिलेबस को पूरा कवर करना है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ, हो गया तुम्हारा मेन। एक क्वेश्चन आपको दोस्तों ऐसा नहीं लगेगा कि जो क्वेश्चन आपसे आ नहीं रहा हो दोस्तों, ये भी मैंने आपको बताया, राइट। और देखो कितनी बढ़िया बात है दोस्तों आप लोगों के लिए, देखना यहां पर देखो जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें कोई भी आप देखेंगे कोई भी ऑप्शन नहीं है आपको, लाइक 15 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस करने हैं। यहां पे देखिए कंटेन 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर ईच क्वेश्चंस, तो मुझे लग रहा था शायद इसमें 12 सवाल मिलते हैं आपको, भूल गया अभी भी मैं देख तो रहा था, आज 12 सवालों में आपके पास ऑप्शन है, दो नहीं भी आ रहे छोड़ दो, MBBSC आपसे कहता है। मेंस में तो यार आपके और लॉन्ग क्वेश्चन में तो बल्ले ही बल्ले हैं भाई साहब। मान लो यार कभी ऐसा हो गया कि तुम फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं पढ़ पाए, अब देखो उसके उद्देश्य पूछो, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसी कॉन्टेक्स्ट में बताना है PM जनधन योजना, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, इसका वित्तीय समावेशन में क्या योगदान रहा है। ये हो गया आपका 11 नंबर का सवाल। मान लो यार आपको ये नहीं आता, तो आपके पास हर लॉन्ग क्वेश्चन में चॉइस है, तो देखो आप क्या है, अब देखो यहां से सवाल देखो आप, कितना शानदार सवाल पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, तो आपके मेंस में साफ साफ अनएम्प्लॉयमेंट लिखा है, मुख्य कारण बताइए बेरोजगारी के, और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत तो अभियान, तो आपके सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेन, तो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है। मतलब इतना ईजी है, बहुत सरल है, मुझे लग रहा है मेरे सारे प्रिय विद्यार्थी को, लोगों को आज जो लगन लगो है कि कैसे तैयारी करनी है, और बहुत सरल है MPPSC निकालना, ईमानदारी से बताइए दोस्तों मेंस आज से ही सरल लगने लगा या नहीं, मुझे कमेंट करें। और जो लोग मेरी क्लास को आज नहीं देख रहे अभी लाइव, वो बाद में एप्लीकेशन में जब वीडियो देखेंगे उसके नीचे कमेंट का ऑप्शन आता है, ज़रूर करें। मैं हर एक स्टूडेंट के एक एक कमेंट पढ़ता हूँ, इसलिए जिससे मुझे अपने छोटे भाई बहनों की आवश्यकता पता चले, उसी आवश्यकता अनुसार मैं अपनी क्लास को और रिफॉर्म्ड तरीके से आप लोगों को पढ़ा पाऊँ। राइट नाउ, नहीं अभी नहीं, नाउ यस सर, हेलो, हाँ हाउ सर, या जा कई जा मोड़ा ने हाउ नाउ, तो दोस्तों लगन लगो है सर, बहुत बढ़िया, बस कछु करने ही नहीं है यार, जो तो हम इकोनॉमी बता दी ऐसे ही तुम लोगों को और सब्जेक्ट करने, जो सिलेबस में लिखा है उसे अलग अलग डायमेंशन के साथ बकायदा नोट्स बनाकर प्रॉपर काम करो, आपका सिलेक्शन डन है। राइट, तो ये हमारा एक क्वेश्चन यहां से आ गया 11 नंबर। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, ये देखिए एक क्वेश्चन और देखिए आप लोग 2020 में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हॉर्टिकल्चर, मैंने आपको बताने की कोशिश करी है क्योंकि मैंने तीन पार्ट्स में बांटा, इंडियन इकोनॉमी, MP की इकोनॉमी और सोशियोलॉजी जो सेक्शन बी है, तो ये सब मैं बता दूंगा कि बागवानी क्या होता है, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, हाउ कैन हॉर्टिकल्चर डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स ऑफ मध्य प्रदेश, तो ये मैं इसको हॉर्टिकल्चर कॉन्सेप्ट मैं सिखा दूंगा, और अब ये आप लोग लिखना भी आपको आ जाएगा, साथ में स्टेट द वेरियस एफर्ट्स इंप्रूव ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म बाय मध्य प्रदेश, ये आप लोगों को प्रमोट सर करा देंगे, क्या कि मध्य प्रदेश सरकार ने स्टेट में इस एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कृषि विपणन के लिए क्या क्या सुधार लाई है, क्या क्या काम किया है। दोस्तों हम लोग मिलकर आप लोगों को आपकी मंजिल तक पहुंचाने की पूरी कोशिश और पूरा प्रयत्न करेंगे, तो ये देखिए इसी तरह से यहाँ पे देखो, विच एक्टिविटी आर इंक्लूडेड इन सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र में कौन सी गतिविधियां आती हैं, तो दोस्तों सेवा क्षेत्र क्या है, कौन सी गतिविधियां आती हैं, ये तो मैं आपको इंट्रोडक्शन में ही, आज तो मुश्किल है, कल ये मैं आपको सिखा दूंगा, नहीं सिखा पाया तो परसों, इंट्रोडक्शन ही चलेगा अभी दो तीन दिन हमारा क्लास के बाद, इस क्लास में भी, अगले दिन भी, अगले दिन भी हो सकता है, क्योंकि हम इकोनॉमी के इंट्रोडक्शन पर बहुत फोकस करेंगे,
क्योंकि जब तक इंट्रोडक्शन विषय का अच्छा नहीं होगा, जब तक मैं आगे के टॉपिक्स आपको अच्छी तरह नहीं करा सकता, राइट। चलो इसके अलावा देखो, ये वाला पार्ट मेरा हो गया, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री इन मध्य प्रदेश इकोनॉमी। दोस्तों ये रोल हो गया हमारा पेपर टू, तो हम दोनों मिलकर ये वाला पोर्शन कवर करने वाले हैं। ये आपको धर्मेंद्र सर कराएंगे, सोशियोलॉजी का पोर्शन अलग से होगा। बहुत ही उत्तम और नेक्स्ट लेवल के टीचर हैं नाउ। तो दोस्तों ये हमारा पूरा हो गया। तो अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर हमें क्या मिला, 11 क्वेश्चन नंबर यहां डायरेक्ट मिल गए, 10 नंबर ये हो गए 21, और दोस्तों 9 नंबर ये हो गए 30। और अगर हम मिक्स करके ये सब में देखें, क्योंकि दो पार्ट है ना यहाँ पर, दो पार्ट, इसलिए मैंने कहा कि आप लोग बस एक एनालिसिस करके आप इतना मान के चलें कि हमारा जो पेपर है वो 50 से 60-70 नंबर मान के चलो इकोनॉमी आपको दे देगा, एटलीस्ट 50 नंबर आप मान के चलो ही, ठीक है। चलो फिर मैं देखो ये कुछ क्वेश्चंस में लेकर आया 2019 के, हालांकि 2019 के बाद से सिलेबस 2020 से चेंज हो गया। पहले क्या था, ये जीएस पेपर 3 में था इकोनॉमी, जीएस पेपर 3 में 7th यूनिट थी इकोनॉमी, राइट। अभी फॉर्मेट ही एमपीपीएससी ने सिलेबस को बदल दिया है, तो हम पूरा प्रोबेबल है कि अभी अभी बदला है, तो अगले साल अगले 2-3 साल अभी कोई चेंज नहीं होना चाहिए, हो जाए तो पता नहीं लेकिन होने नहीं चाहिए। 2019 का ये देखो लिखा जीएस पेपर 3, तो ये 3 पेपर था, इसमें सेम ऐसी क्वेश्चन था 15 क्वेश्चन 3 नंबर के, वेरी शॉर्ट। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ आइडिया दिखा रहा, आइडिया, और पहले तो पूरा का पूरा एक सेक्शन इकोनॉमी का था 2019 में, और 19 से पहले। इस बार थोड़ा सेक्शन बी में इकोनॉमी को डाल दिया और इकोनॉमी के साथ एमपी की इकोनॉमी भी जोड़ दी। पहले मेंस में एमपी की इकोनॉमी नहीं पूछते थे 2019 तक, मतलब फॉर्मेट हमेशा ऐसे इसलिए बदलता रहता है कि जो पुराने पुराने जो पंचवर्षीय योजना वाले बच्चे हैं, अगर वो सिलेबस रट रट के एसडीएम बनने के लिए तैयार हो गए, सिलेबस क्यों कमीशन चेंज करता है, आज मैं अपने शब्दों में इसका विश्लेषण करता हूँ। कमीशन इसलिए चेंज करता है, मान लो कोई गधा है और वो 6-7 साल से तैयारी कर रहा और वो घोड़ा बन गया, अब वो भगने के लिए तैयार है, और ऐसे में उसे राज्य की कमान दे दी जाए कहीं की और उसको एसडीएम बना दिया जाए किसी क्षेत्र का, तो दोस्तों वो तो अपने क्षेत्र को ही बर्बाद कर देगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, स्मार्ट ब्रेन नहीं है ना उसके पास। इसलिए यूपीएससी, एमबीपीएससी, हर स्टेट पीएससी अपने सिलेबस को टाइम टू टाइम रिफॉर्म करता रहता है कि जो पुराने गधे घोड़े बन गए हैं उनको हटा दिया जाए, नए जो चीते हैं वो आ रहे हैं उन चीतों को लिया जाए। तो दोस्तों हमेशा कमीशन की डिमांड होती है, इन्हें चाहिए टाइगर्स, चीते। तो दोस्तों आप लोग चीते बनिए, चीते कैसे, स्मार्ट, नजर रखी अपने दोस्तों अपने शिकार पर, और ऐसा झपट्टा मारा कि एक बार में ही एमबीपीएससी पार। दोस्तों ये स्ट्रेटजी बनानी होगी आप लोगों, याद रखिएगा। तो अगर हम बात करें तो देखिए ये सब सवाल थे, बस एक एक लाइन में बता रहे हैं, अपने डिस्कशन के दौरान आप इन सब को उड़ा दोगे खट 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 खट, राइट। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, क्वेश्चन पूछा गया लोएस्ट लिटरेसी अकॉर्डिंग टू एफ, बिल्कुल एक लाइन में एक लाइन लिख दो, एक वर्ड हो गया क्वेश्चन के। 2011 के सेंसस में सबसे कम साक्षरता किस राज्य में थी, बकवास सा सवाल। दूसरा जीडीआर का क्वेश्चन पूछा गया, अभी आप जीडीआर नहीं समझ पाओगे, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, एक होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, लेकिन जब पढ़ा देंगे तो तुम किसी और को पढ़ा रहे होगे, इंतजार करो उस समय का। देन व्हाट डू यू मीन बाय एमएसपी, बकवास सवाल, इजी सवाल। देन विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी कंट्रीब्यूटिंग द हाईएस्ट शेयर इन द नेशनल इनकम, मजे मजे में होगा अपनी क्लास में। क्वेश्चन पूछा गया किस क्षेत्र का देश की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान होता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिवैल्यूएशन, अवमूल्यन से आपका क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट ट्रिप्स क्या है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी राइट्स, बात करेंगे ट्रिप्स पर, WTO के अंतर्गत आता है, देख लेंगे अलग से ट्रिप्स को। ट्रिप्स के साथ इसका एक भाई होता है ट्रिम्स, राइट, वो भी देखेंगे। नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन पूछा गया राष्ट्रीय आय के आकलन की कितनी विधियां हैं, बात बात में कर लेंगे। ये सब आप एमपीपीएससी का स्तर दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, कहां कहां से सवाल पूछता था या आप ऐसी स्ट्रेटजी आप कैसे बनाओगे। जीडीपी क्या होता है, इतना पिद्दा सवाल मजे मजे में करोगे दोस्तों आप लोग, एग्जामिनर बेबस हो जाएगा, 90% से ज्यादा नंबर देने को इकोनॉमी में, शर्त लगा के बोल सकता हूं अपनी पहली क्लास में, राइट, ऐसी आंसर राइटिंग कर रहे होंगे आप लोग।
एक क्वेश्चन आया स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम क्या है, इजी। प्रचन्न बेरोजगारी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता, बफर स्टॉक किसे कहते हैं, अच्छा सवाल है एग्रीकल्चर का। कैपिटल आउटपुट रेशियो मजे मजे में करोगे, पूंजी निर्गत अनुपात, रिलेटिव पॉवर्टी सापेक्ष गरीबी क्या होता, ये अपने प्रीलिम शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, वेरी शॉर्ट। अब आ जाओ देखो कहा एनी टेन, 12 आते थे इसमें जो मैं कह रहा था ना आपसे, आत्मनिर्भर अभियान क्वेश्चन हो गया। देन क्या है रीजन फॉर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर द ग्रोथ, मैंने मध्य प्रदेश की इकोनॉमी से क्वेश्चन आ गया कि मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में जो बुनियादी ढांचा है या जो संरचनात्मक विकास है या जो हम कहें इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, उसके पिछड़ेपन का क्या कारण है। देन ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू सस्टेनेबिलिटी इन द इंडियन इकोनॉमी, ये क्वेश्चन पूछा गया जो ग्लोबलाइजेशन है जो वैश्वीकरण है उससे क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सततीकरण आएगा, क्या अगर हम संपोषणीयकरण कह लो, संपोषणीयता कह लो, सस्टेनेबिलिटी आएगी क्या, समझाएंगे ये सब चीजें होती क्या है। नाउ नेशनल इनकम अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंस क्या है उन्हें एक्सप्लेन करो, राष्ट्रीय आय जो अपन निकालते हैं उसका क्या विशेषता है, राष्ट्रीय आय पर ज्यादा फोकस है एमपीपीएससी का। नाउ ये गरीबी के लिए दो कमेटी बनाई गई अलग अलग समय पर, दो क्या मैं तो आपको 5 से भी ज्यादा कमेटियां बताऊंगा। एक इनने पूछा गया रंगराजन कमेटी और तेंदुलकर कमेटी को कंपेयर करना था। देन एग्जामिन द सर्विस एरिया अप्रोच, ये बैंकिंग का एक क्वेश्चन आ गया, बताएंगे आपको कि लीड बैंक स्कीम बनाई गई थी उसमें सर्विस एरिया अप्रोच आता था, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया है सर्विस एरिया अप्रोच, जो पुराने बैच जो मतलब हमारे पुराने बच्चे हैं। सर हमें आज कुछ भी नहीं याद, फिर भी आप बोल रहे तो ऐसा लग रहा है हम क्वेश्चन उड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राइट नाउ नेक्स्ट देखो, बस अब हम दोस्तों यहां से इकोनॉमी का सिलेबस स्टार्ट करते हैं, इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप तैयार हैं, जल्दी से मुझे बता दीजिए तैयार हैं या नहीं। हंड्रेड परसेंट हो जाएगा, दीप चौधरी पूछ रहे हैं। नाउ तो ये हमारा एक छोटा सा विश्लेषण था जहां से हमने देखा कि इकोनॉमी क्या क्या है, हमारे एमपीपीएससी में इकोनॉमी का वेटेज क्या है, और मैं आपको वो पीटी के 3 से 5 और वो मेंस में 50 से 60 40 से 60 कर लेते हैं इसे की रेंज में जो आने वाला है वो मैं कवर करूंगा। राइट जी, यू ऑल आर वेरी रेडी, दिख रहा है मैं आपका जोश। दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमी, और इकोनॉमी में हम सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमी के इंट्रोडक्शन की। इकोनॉमी के इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे यहां से कि आखिर ये इकोनॉमिक्स जो एक विषय है वो होता क्या है, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र से आप समझते क्या है। बहुत ही रिफाइंड तरीके से इंट्रोडक्शन को शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र क्या है। दोस्तों जो अर्थशास्त्र है उसका मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स हम कहते किसे हैं और इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं, जरा यहां से आप लोग सुनिए। तो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजें हैं जरा ध्यान से देखिएगा। चलिए तो अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स क्या है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं, जो भी हमारे पास संसाधन हैं, इन रिसोर्सेस को हम कितने ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से प्रयोग कर पाए और कैसे हम इन रिसोर्सेस इन संसाधनों तब बेहतर ढंग से प्रयोग करेंगे, इसके अध्ययन को हम कहते हैं अर्थशास्त्र। मतलब कि जो भी हमारे रिसोर्सेस हैं इनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन अगर हम बात करें, इनका एक बेहतर प्रयोग
जितने भी हमारे अर्थ लाइक संसाधन हैं इनका हम बेहतर प्रयोग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करें, अच्छे से अच्छा प्रयोग कैसे करें। क्या मतलब है, थोड़ी देर पेशेंस रखिए, 10 मिनट बाद इकोनॉमिक्स क्या होता है आपके दिमाग में इंस्टॉल होगा। तो जब भी हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की, जब भी हम बात करेंगे अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र में हम अध्ययन करते हैं कि जो भी हमारे पास संसाधन हैं, जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं, उन रिसोर्सेस का हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, बेहतर से बेहतर प्रयोग कैसे करें। ये हमें सिखाता है द सब्जेक्ट कॉल्ड इकोनॉमिक्स। क्या मतलब हुआ सर, कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी आएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं दोस्तों इकोनॉमिक्स में, तो हम यहां पर दो अलग अलग फैक्टर्स की स्टडी करते हैं। पहले वो समझो, हम यहां पर स्टडी करते हैं एक कंज्यूमर की, बोले तो एक उपभोक्ता की, और हम यहां पर स्टडी करते हैं एक प्रोड्यूसर की, मींस एक उत्पादक की। दोस्तों कंज्यूमर और प्रोड्यूसर क्या होता है, मैं उम्मीद करता हूं सबको पता होगा, लेकिन मैं एक कोशिश करता हूं बस एक लाइन में बताने की उन बच्चों को जिन्हें पता नहीं। कंज्यूमर उपभोक्ता का मतलब है दोस्तों, मैं बाजार गया और इस मार्कर को खरीद के लाया तो मैं हो गया कंज्यूमर उपभोक्ता। मैं बाजार गया, मैंने दोस्तों दो कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदी, उन्हें मैंने तो मैंने कहा कंज्यूमर। आपने हमारा कोर्स सब्सक्राइब कर रखा है तो आप हमारे कंज्यूमर हैं। तो कंज्यूमर का मतलब हुआ, उपभोक्ता का मतलब हुआ वो व्यक्ति जो किसी वस्तु को बाजार से खरीद रहा है। सिमिलरली ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें एक प्रोड्यूसर एक उत्पादक की, तो वो व्यक्ति जिसने ये मार्कर बनाया, वो व्यक्ति जिसने ये शर्ट बनाई, वो व्यक्ति जिसने मार्केट में कोल्ड ड्रिंक्स बनाई, ऐसे व्यक्तियों को हम कहते हैं प्रोड्यूसर उत्पादक, राइट। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो बेसिकली इकोनॉमिक्स को समझो आप, इकोनॉमिक्स में हम इन्हीं दो एलिमेंट्स की स्टडी कर रहे होते हैं, इन्हीं दो फैक्टर्स की स्टडी कर रहे होते हैं, इन्हीं दोनों के व्यवहार का अध्ययन कर रहे होते हैं कि उपभोक्ता बाजार में कैसे व्यवहार करेगा और उत्पादक बाजार में कैसे व्यवहार करेगा। क्योंकि बाजार क्या होता है, एक ऐसा स्थान जहां उपभोक्ता और उत्पादक दोनों का मिलन होता है। मिलन का मतलब कुछ और मत समझने लगना तुम, राइट। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो कंज्यूमर उपभोक्ता जो खरीद रहा है, उत्पादक जो बेच रहा है। नाउ अभी मैंने कहा आपसे इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रिसोर्सेस संसाधनों का कैसे बेहतर प्रयोग करना है ये सिखाता है। तो अब मैं आपके सामने क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि ये रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है। इतनी देर से मैं चिल्ला रहा हूं रिसोर्सेस रिसोर्सेस, एक्चुअली व्हाट इट इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेस, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो दोस्तों अगर मान लेते हैं कि मैं एक कंज्यूमर हूं, कौन हूं दोस्तों कंज्यूमर, मैं एक उपभोक्ता हूं, तो मेरे लिए रिसोर्सेस क्या होंगे जरा वो देखना। मैं जब एक कंज्यूमर हूं और मुझे ये मार्कर खरीदना है, जब मैं एक कंज्यूमर हूं और मुझे ये मार्कर खरीदना है, तो इस मार्कर को खरीदने के लिए मुझे क्या क्या चीजों की जरूरत होगी, सो दैट आई कैन बाय दिस मार्कर, जिससे मैं इस मार्कर को खरीद पाऊं। तो सबसे पहले कंज्यूमर को जरूरत होगी मुद्रा की, बोले तो मनी की। सबसे पहले कंज्यूमर को खरीदना होगा मुद्रा, मनी। भाई मनी होगा तभी तो आप इसे खरीद पाओगे। फिर कंज्यूमर को चाहिए टाइम, समय। भाई मान लो आपके पास बहुत पैसा है लेकिन आपको खरीदने जाने का टाइम ही नहीं है, तो एक कंज्यूमर एक उपभोक्ता के नजर से मुद्रा और समय, इन्हें हम कहते हैं संसाधन। मनी एंड टाइम आर कंसीडर्ड एज रिसोर्सेस फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू।
उपभोक्ता के नजर से जो मुद्रा और समय है वो संसाधन है, वहीं पर जब मैं एक उत्पादक की बात करता हूं कि भैया इस उत्पादक के लिए रिसोर्सेस क्या होंगे, तो देखो जैसे मान लो मुझे, मेरे सामने ये जो कैमरा है, इस कैमरे को बनाने की एक कंपनी खोलनी है, तो भाई अगर मुझे कैमरे का प्रोडक्शन करना है, उत्पादन करना है, तो मैं हो गया प्रोड्यूसर उत्पादक, तो मुझे क्या चाहिए होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले मुझे चाहिए होगा भूमि, बोले तो लैंड। सबसे पहले मेरे पास होना चाहिए भूमि, बोले तो लैंड, जहां पर मैं अपनी फैक्ट्री बनाऊंगा, अपनी मशीनें इंस्टॉल कराऊंगा, अपना ऑफिस स्पेस बनाऊंगा। तो मुझे चाहिए सबसे पहले भूमि, जिससे मैं इस कैमरे का उत्पादन कर पाऊं। जब भूमि आ गई तो इसके साथ साथ मुझे चाहिए होगा श्रम, जैसे हम कहेंगे लेबर। श्रम का मतलब, लेबर का मतलब वे लोग जो यहां पे काम करेंगे, जो यहां पे प्रोडक्शन में, उत्पादन में मेरी मदद करेंगे। और मुझे चाहिए होगा पूंजी, बोले तो कैपिटल। भाई कैपिटल होगी तभी मैं अपनी कंपनी में मशीन्स खरीद के ला पाऊंगा, कैपिटल होगी तभी मैं अपनी कंपनी में रॉ मटेरियल ला पाऊंगा, कैपिटल होगी तभी मैं फ्यूल ला पाऊंगा, ईंधन ला पाऊंगा। तो इन सब चीजों के लिए मुझे चाहिए होगा कैपिटल, पूंजी, जिससे मैं उत्पादन कर पाऊं। और सबसे लास्ट में होना चाहिए एक संगठन, या हम इसको कह सकते हैं उद्गमिता। हिंदी में शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, उद्गमिता मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी को हम कह सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। दोस्तों जहां पर संगठन होगा, जहां पर मेरे पास भूमि आ गई, श्रम आ गया, पूंजी आ गई, एक संगठन बन के तैयार हो गया, अब मैं शर्ट बनाकर इसका प्रोडक्शन कर सकता हूं। तो दोस्तों अगर हम एक प्रोड्यूसर, एक उत्पादक के नजर से बात करें, एक प्रोड्यूसर के दृष्टिकोण से बात करें, तो भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, ये चार चीजें क्या कहलाती हैं? फैक्टर। इन चार चीजों को कहलाती हैं रिसोर्सेस। मतलब एक प्रोड्यूसर के लिए, प्रोडक्शन, उत्पादन के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत हुई? भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। तो इन्हें हम कहेंगे एक उत्पादक के रिसोर्सेस, एक उत्पादक के रिसोर्सेस। तो दोस्तों मैंने आपसे सबसे पहले यहां से पढ़ाना शुरू किया कि इकोनॉमिक्स क्या है। अभी मैंने पूरा नहीं बताया, सिर्फ सुनते जाए इकोनॉमिक्स क्या है। तो मैंने कहा इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं, हाउ ऑप्टिममली आई कैन एलोकेट माय रिसोर्सेस, कितने बेहतर तरीके से मैं अपने संसाधनों का प्रयोग कर पाऊं। अब मैंने कहा रिसोर्सेस, एक नया शब्द आया संसाधन, ये क्या होता? तो एक कंज्यूमर के लिए, उपभोक्ता के लिए जो मुद्रा और समय है वो इसके लिए रिसोर्सेस हैं। एक प्रोड्यूसर के लिए, एक उत्पादक के लिए जो भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, वो एक रिसोर्स है। अब इकोनॉमिक्स हमें क्या सिखाता है वो सुनना दोस्तों। इकोनॉमिक्स हमें ये सिखाता है कि अगर मैं एक कंज्यूमर हूं, अगर मैं एक उपभोक्ता हूं, तो मैं अपने संसाधनों का कितने बेहतर तरीके से प्रयोग करूं जिससे मुझे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सके, ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि मिल सके। मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं एक कंज्यूमर हूं, अगर मैं एक उपभोक्ता हूं, तो हाउ ऑप्टिममली आई कैन एलोकेट माय रिसोर्सेस सो दैट आई कैन अचीव माय मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। जैसे आपने हमारा कोर्स सब्सक्राइब किया है, तो पॉइंट नंबर दो नोट करो यहां पर, आप हमारे लिए कंज्यूमर हैं, आप कंज्यूमर हैं क्योंकि आपने हमारा कोर्स सब्सक्राइब किया है। पॉइंट नंबर वन, आपको कोर्स सब्सक्राइब करने के लिए चाहिए था मुद्रा, मनी। पॉइंट नंबर टू, आपको कोर्स सब्सक्राइब करने के लिए चाहिए था समय, जो आप हमें दे रहे हैं। तो दोस्तों मुद्रा और समय, ये आपके हो गए रिसोर्सेस। अब आप जब कंज्यूमर हैं तो आपका क्या उद्देश्य है? आपका उद्देश्य है कि कैसे अपने इन रिसोर्सेस, मुद्रा और समय,
का बेहतर प्रयोग कर पाएं और आपको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों बेटर एलोकेशन कर पाएं, जिससे आप ज्यादा ज्यादा संतुष्टि प्राप्त करें। मतलब इकोनॉमिक्स एक कंज्यूमर के दृष्टिकोण से उसे ये सिखाता है कि कैसे वो अपने संसाधनों का प्रयोग करे और उसे ज्यादा ज्यादा संतुष्टि मिले। आप कल गए संजा के आम खरीद के ले आए बाजार से, तो आप आम खरीद के जब बाजार से ले आए तो तुम कहलाए कंज्यूमर उपभोक्ता, तो तुम्हारे पास काका हतो, तुम्हारे पास सबसे पहले मनी पैसा हतो, देन तुम्हारे पास टाइम समय हतो। जब तुम्हारे पास मुद्रा और समय हतो तभी तुमने बा को प्रयोग करो, और तुम्हारा उद्देश्य का हतो जब तुम आम खरीद रहे थे तो मुंह मुंह में पानी आ रहो तो कि घरे जे फ्रिज में लगाएं ठंडे करके काट के खाएं, आयकल आने कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल पाए, ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि मिल पाए। तो ऑलवेज अ कंज्यूमर ट्राइज टू अचीव एज मच एज सेटिस्फेक्शन एज पॉसिबल। तो हमेशा एक उपभोक्ता चाहता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि प्राप्त हो, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन हो, और वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने रिसोर्सेस मतलब मनी और टाइम का बेहतर प्रयोग करें। आते हैं दोस्तों प्रोड्यूसर के नजर से देखते हैं। जिस व्यक्ति ने ये मार्कर बनाया तो सबसे पहले उसे रिसोर्सेस चाहिए थे, भूमि श्रम पूंजी संगठन लैंड लेबर कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योर। अब दोस्तों जब वो अपनी कंपनी खोल रहा था तो उसने इन रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन इतने बेहतर तरीके से करा होगा या करने की सोची होगी या कोशिश करी होगी, जिससे एक प्रोड्यूसर चाहता है हाउ टू गेट मोर एंड मोर मैक्सिमम प्रॉफिट, जिससे एक उत्पादक को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल पाए, ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि, यहां पे हिंदी हो गया, जहां ज्यादा से ज्यादा उसे क्या मिल पाए, लाभ मिल पाए। तो हमेशा जिस तरीके से एक उपभोक्ता चाहता है टू अचीव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ऐसे ही एक प्रोड्यूसर चाहता है टू अचीव मैक्सिमम प्रॉफिट। तो दोस्तों इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है, अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो हमें सबको, चाहे हम कंज्यूमर हों या हम प्रोड्यूसर हों, हमें यह सिखाता है हाउ टू एलोकेट द रिसोर्सेज ऑप्टिममली, कितने सरल से सरल, अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर तरीकों से हम अपने संसाधनों का बेहतर प्रयोग कर पाएं, जिससे उपभोक्ता को संतुष्टि प्राप्त हो सके, उत्पादक को लाइक लाभ मिल सके। और दोस्तों हमारे इसी के बीच में एक होता है सरकार, गवर्नमेंट। जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो इन दोनों को कंट्रोल करती है, कंज्यूमर को भी और प्रोड्यूसर को भी। जैसे उपभोक्ता का उद्देश्य है संतुष्टि, उत्पादक का उद्देश्य है लाभ, इसी तरह से सरकार का उद्देश्य है समाज कल्याण, सरकार का उद्देश्य है समाज कल्याण, सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण, सोशल वेलफेयर। दोस्तों इकोनॉमिक्स की ये हुई मीनिंग खत्म, कि आखिर अर्थशास्त्र होता क्या है, इकोनॉमिक्स कहते किसे हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन सच अ मैनर सो दैट अ कंज्यूमर कैन एलोकेट द रिसोर्सेज दैट इज मनी एंड टाइम इन सच अ वे सो दैट ही कैन अटेन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एंड प्रोड्यूसर कैन अचीव मैक्सिमम प्रॉफिट एंड द गवर्नमेंट कैन अचीव मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें हम ये सीखते हैं कि जो भी हमारे पास उपलब्ध संसाधन हैं उनका हम कैसे बेहतर प्रयोग करें। अगर हम एक उपभोक्ता हैं तो हमें अधिक से अधिक संतुष्टि कैसे मिले, एक उत्पादक हैं तो अधिक से अधिक लाभ कैसे मिले, और अगर हम सरकार हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा समाज का, सोसाइटी का वेलफेयर, समाज कल्याण कैसे कर सकें, इतना सा विषय है, दैट इज इकोनॉमिक्स। बस खत्म, इतना सा विषय अपना। जैसे मेरे प्यारे साथियों, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए इस समय जो रिसोर्सेस हैं, लो आपको लेकर समझाते हैं, पॉइंट दिमाग में घुस जाएगा और सेटल हो जाएगा। आप हैं कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, विद्यार्थी हैं आप, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए रिसोर्सेस क्या होंगे, आपके लिए संसाधन क्या होगा। तो आपके लिए जो रिसोर्सेस होंगे वो होगा योर बहुमूल्य समय, टाइम, योर स्मार्ट से जस्ट लाइक मी नो डाउट टीचर्स, कम ऑन यस। दोस्तों आपके पास जो आपका रिसोर्स है बीइंग अ कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट,
परीक्षार्थी के लिए एक संसाधन क्या है? तो एक परीक्षार्थी के लिए जो संसाधन है वो उसका समय, उसके शिक्षक और उसकी किताबें, बुक्स। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको अपना समय, शिक्षा, समय, शिक्षक और किताबें, मनी, लाइक आपके लिए जो टाइम है, टीचर्स हैं और बुक्स हैं, ये आपके रिसोर्स हो गए। अगर आपको बहुत ही बेहतर तरीके से इनका प्रयोग आता है कि अपने समय, शिक्षक और बुक्स को कैसे प्रयोग करें, तो आप बहुत ही जल्दी अपने पापा मम्मी को वो खुशखबरी सुनाएंगे जिसका उन्हें जिस दिन आप पैदा हुए थे उस दिन से इंतजार है। कितना लंबा लक्ष्य है उनका, कितना लंबा पेशेंस है उनके पास। जिस दिन आप पैदा हुए थे, जैसे जैसे आप बड़े होने लगे, वैसे ही उनके मन में आपको और आपकी तरक्की और आपके सेटलमेंट की उन्हें फिक्र होने लगी। उन्होंने अपना एक एक दिन, एक एक रात सिर्फ आपके लिए कुर्बान किया है। दोस्तों, उनके लिए अगर आप अपने रिसोर्सेस, टाइम, टीचर्स एंड बुक्स को बहुत अच्छे से एलोकेट करते हैं, मैं डेफिनेटली कह सकता हूं आप उन्हें वो वर्षों से जो उनके दिमाग में, उनके मन में जो ख्वाहिश है आपको लेकर, आप उसे पूरा करने में सक्षम होंगे। और ये है हमारा इकोनॉमिक्स एक विषय जो हमें ये सिखाता है कि हम अपने संसाधनों का कैसे बेहतर प्रयोग कर पाए। जैसे अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट लाती है बजट। बजट में सरकार देखती, देखो भैया इतना पैसा है, कहती देखो भैया इतना पैसा है, तैसे आ जाए, और देख लो भैया जो पैसा अपन इतने इतने खर्च कर रहे हैं, चाहे कहत बजट। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बजट, सो इट डील्स विद द गवर्नमेंट रेवेन्यूज एंड द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जब हम बात करते हैं सरकार के बजट की, तो हम देखते हैं कि सरकार का व्यय क्या है और राजस्व क्या है, कहां से पैसा आएगा, कहां पैसा जाएगा, मतलब अपने संसाधनों का एलोकेशन, संसाधनों का बेहतर प्रयोग। तो ये हम कहते हैं इसको इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज वेरी यूजफुल इन योर डे टू डे लाइफ। इकोनॉमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग व्हाट एवर यू आर डूइंग। दोस्तों, अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो आपको जीवन जीना सिखाता है। और भैया अर्थशास्त्र की बहुत सारी बातें करेंगे आने वाली क्लासेस में, आप देखते रहेंगे। अभी तो सिर्फ एक टीजर आज रिलीज हुआ है, अभी तो ट्रेलर दिखाऊंगा और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। तो ये है इकोनॉमिक्स की मीनिंग जो आपके सामने। नाउ इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं थोड़ी सी और डेप्थ में। दोस्तों, जब मैं बात करता हूं इकोनॉमिक्स की, जब मैं बात करता हूं अर्थशास्त्र की, राइट, तो मैं जरा देख लेता हूं आपके कॉमेंट्स भी। जब मैं बात करता हूं इकोनॉमिक्स की, जब मैं बात करता हूं अर्थशास्त्र की, तो अब आप लोग क्या करिए, साथ साथ में आप लोग नोट्स बनाते रहिए। जैसे मैं लिख रहा हूं, इसी के साथ आप नोट्स बनाइए। फिर मैं आप लोगों को क्या करूंगा वो भी सुन लो। फिर मैं आप लोगों को हर क्लास के बाद दो चीजें दूंगा, एक अपने बोर्ड की पिक्चर्स, मतलब इसकी पीडीएफ पूरी, जो भी मैंने यहां लिखा है पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। दूसरा, बिल्कुल आपके पास रिटन नोट्स आएंगे, रिटन, हैंड रिटन हो सकते हैं, टाइप भी हो सकते हैं, हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम दोनों में आपके पास बकायदा हर चैप्टर के मैं आपको नोट्स दूंगा। उसके बावजूद अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको लिखवाऊं, तो मैं लिखवा भी सकता हूं, लेकिन पूरा मेंस और के अप्रोच के साथ ही, पीटी के अप्रोच के साथ ही आप लोगों को बकायदा नोट्स मिलेंगे। तो आप सिर्फ, मैं चाहता हूं कि जो स्ट्रैटेजी मेरी है, मैं आप लोगों को ये भी दूंगा, इसके साथ मैं आप लोगों को अलग से प्रिंटेड या लिखे हुए नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा हर एक क्लास के चैप्टर वाइज, बहुत ही शानदार तरीके से। तो अगर आप लोग दोस्तों मेरी इस बात से सहमत हैं, तो आप बताइए, क्योंकि अगर मैं ऑफलाइन में होता, ऑफलाइन क्लासेस में, तो अगर मैं आपको लिखवाता, तो वहां खड़े होकर थोड़ा लगता है चलो भाई लिखवा दो। अब यार कैमरे में देखकर लिखवाना बहुत मुश्किल है भाई, तो इसलिए इट इज वेरी पॉसिबल कि मैं आपको लिखवाऊं, मोनोटोनस हो जाऊंगा बहुत ज्यादा, मतलब आई विल स्टार्ट बिकमिंग बोर, राइट। तो मैं बहुत बोर हो जाऊंगा अगर मैं लिखवाने लगूंगा आप लोगों को, तो आप, बाकी आप लोगों की इच्छा है, आप मुझे सारे लोग जो कहेंगे मैं वैसे ही करने को तैयार हूं, राइट। नाउ तो लिखने का जो काम होता है मेरे प्यारे साथियों, तो लिखवा कर, सर जी प्लीज आप लिखवा दीजिए, ठीक है, लिखवा कर करा दो प्लीज सर, ओके, ठीक है, ठीक है। मैं देखना चाहता हूं आप लोगों,
देसी भाषा में मज़ा आ जाएगा। ठीक है, वॉइस बहुत स्लो आ रहा है, स्लो तो नहीं होगा, देखो जरा मेरे साइड से सही है, अब थोड़ा अपने साइड से देखो। सेम अप्रोच सर, साथ साथ नोट्स बताओ। अब आप लोग मुझे फाइनल जो बताइए। बहुत बहुत शानदार गुरुजी, मज़ा आ गया। नाउ अभी सर आप मेंस के लिए कुछ लिखवाइएगा क्या, वो आप लोग मुझे बताइए। सर बहुत कुछ समझ आया है, थैंक यू सो मच। चलिए अब जल्दी से मुझे ये बताइए, अब आपके क्या क्या कमेंट्स आ रहे हैं लिखवा दीजिए सर, प्लीज़ लिखवा देना। ठीक है, यस यस यस, पीपीटी से है। ठीक है, बुक्स कौन सी रेफ़र करें वो मैं आपको बताऊंगा, बुक्स कौन सी रेफ़र करें क्लास के एंड में बताऊंगा। सर क्लास में स्टूडेंट नहीं है क्या? हैं बेटा, देखो कमेंट्स तो आ रहे हैं, जो आप ठीक समझें वो कर दें। नहीं मुझे तो देखना है मैक्सिमम। सर जी हमें पीडीएफ से समझ नहीं आता, आप साथ में लिखवा देना, आपके हिसाब से सही जो हो। ठीक है, पीडीएफ ऐसी नहीं दूंगा। देखो बेटा पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ नहीं दूंगा, क्या है बातें हमें लिख लेते हैं, आप बताते हैं सर, इम्पोर्टेंट टॉपिक लिखवा दीजिए और बाकी पीडीएफ। ठीक है, साथ में लिखवा देना, लिखवा देना, लिखवा देना, फिर नोट्स लिखवा कर सर प्लीज़। सारे लोग कमेंट करो जितने लोग हैं, सर बहुत कंज्यूम हो जाएगा सर लिखवा टाइम। हाँ लिखवाने में टाइम तो कंज्यूम होगा सर, आपके अकॉर्डिंग ही करिए प्लीज़। देखो मेरे अकॉर्डिंग मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा पढ़ाऊँ। कैसे मैं आपको नोट्स दूंगा, मैं आप लोगों को थोड़ा आइडिया भी दे देता हूँ कि कैसे नोट्स मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो बिल्कुल इस तरह से आपको कुछ नोट्स मिलेंगे, लाइक ऐसे मैं आप लोगों को बिल्कुल नोट्स दूंगा जिन्हें आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं साइज जाकर। बिल्कुल इस तरह से आपको कुछ नोट्स दूंगा, तो लाइक तो अगर आप लोग इससे सहमत हों तो मुझे बताएं, अदरवाइज क्योंकि लिखने में यार बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम मतलब, और फिर बहुत अगर मेरे सामने स्टूडेंट मुझे दिखते तो ऑफलाइन में मैं लिखवाता ही हूँ, क्योंकि बिना लिखवाए कभी पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन ऑनलाइन में मैं कभी लिखवाता नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरे स्टूडेंट बहुत डिमांड करेंगे तो मैं ज़रूर करूँगा। समझ आ रहा है, बहुत अच्छे क्लास में रहेगी टेस्ट सीरीज या फिर अलग से? ये पूनम ये वाली क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछो ना, एसडीएम वाले सवाल पूछो, सिपाहियों वाले नहीं, सलूट करवाने वाले, सलूट करने वाले नहीं। सर टाइम बहुत जाएगा लिखवाने में, यस बिल्कुल जाएगा। नोट समझ नहीं आते हैं सर, अरे बेटे पहले तुम एक दो दिन देखो, और नोट्स समझ में नहीं आते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि नोट्स वही हैं जो मैंने खुद क्लास में डिक्टेट करे हैं अपनी, ध्यान से सुनना, जो मैंने नोट्स में कौन से दूंगा जो मैंने खुद डिक्टेट करे और मेरे बच्चों ने लिखे, मैं बस पढ़े होंगे कहीं ना कहीं वो नोट्स, तो मैं आपको लाइक उसकी एक कॉपी आज इंट्रोडक्शन की दूंगा आपको आज क्लास के जस्ट बाद। पहले ध्यान से सुन लो, अभी इतना जल्दी अपन लोग डिसीजन नहीं लेते, पहले हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको एक जस्ट क्लास के बाद एक सैंपल दूंगा आज की क्लास का, राइट? अगर मैंने जैसे ये लिखा है ये तो मैं आपको एज इट इज ये दे दूंगा, साथ में जो मैंने अपनी क्लास में डिक्टेट करा है, जो मेरे बच्चों ने नोट्स लिखे हैं, मेरे स्टूडेंट्स ने अपने हाथों से, उसी को स्कैन करके जिस दिन जो जो पढ़ेंगे वो आपके पास तुरंत की तुरंत क्लास खत्म होते ही आपके पास पहुंच गया। आज देख लेते हैं, आज कल, फिर हम लोग एक दो दिन बाद इस पर चर्चा करेंगे अलग से। चलो दोस्तों ना, तो हम लोगों ने बात करी है कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसी विषय को हम डेप्थ में देखते हैं। दोस्तों जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं, तो जो अर्थशास्त्र है, जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं, जैसे हमने यहां पे कहा, जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, अर्थशास्त्र की जब हम बात करेंगे, जब हमने यहां पे बात करी कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स है क्या, तो जब हम अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स हम किसे कहते हैं, जरा आप वो समझो, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, जरा आप वो देखो कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है, ये तो हमने समझ लिया, राइट? अब आप मुझे कमेंट्स करके बताओ, राइट? सर आप समझाओगे तो हम खुद लिख लेंगे, ठीक है, अभी बिल्कुल इस पर डिस्कशन नहीं करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना, राइट? तो पढ़ा मैं रहा, पढ़ने का काम आपका है, शिद्दत लगा के काम करो, देख लेंगे, पहले आप आज की क्लास करो,
इसके बाद जो आज मैं पढ़ाऊंगा वो आपको एज इट इज ये तो दूंगा ही दूंगा, साथ में मेरे स्टूडेंट्स ने जो लिखा है नोट्स उसकी कॉपी आपको दे दूंगा। आप उस कॉपी को एज इट इज उसे चाहे अपने घर पर लिख लो या उसको पढ़ो। स्मार्ट मेथड करना है, वही मैंने कहा था ना, घोड़े बनते आए बाद में गधे बन गए। कमीशन ऐसे लोगों को नहीं चाहता, पहले से ही चीते बन के जाओ दोस्तों, कमीशन आपको तुरंत ले लेगा। स्मार्ट काम करो, हार्ड काम नहीं करो। रादर देन हार्ड वर्क यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क। बाकी आप लोगों की इच्छा, अपने को तो पैसा मिलता है भाई साहब, तो आप कहोगे से गुरुजी तुम खड़े हो जाओ, मेरे पास यहाँ ऊंची सी एक कुर्सी भी है, मैं निकाल लूंगा उसे, यहाँ बैठ जाऊंगा, टॉपिक खत्म होने वाला, ऐसे बैठ के लिखवा दूंगा। लिखो मुझे क्या दिक्कत है, बाकी आप लोग समझें, आपका काम समझे। जो मुझे अगर बहुत अच्छे समझ आया तो, अगर मुझे एक बच्चा भी कहेगा गुरुजी लिखवाओ तो अभी मैं लिखवाऊंगा, ये भी याद रखना, उसूल हमारे थोड़े अलग हैं। हाँ, A4 साइज में PDF दूंगा मैं आपको, बिल्कुल A4 में, चाहे प्रिंट आउट ले लो, चाहे मोबाइल से देख के पढ़ लो, चाहे उसे लिख लो, वो आपकी मर्जी। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि एक बार क्लास में कर लिया, एक बार आप घर पे बैठ के उन नोट्स को देख कर लिख लो, बेस्ट है। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आप उन्हें प्रिंट आउट कर लो, वो उससे भी ज्यादा बेस्ट है, तो वो आपके ऊपर है। राइट नाउ चलो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स के अंदर थोड़ा सा हम चलेंगे तो इकोनॉमिक्स को हम दो तरीके से समझते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र है। माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र है, और एक होता है जिसे हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज समष्टि अर्थशास्त्र है। मैक्रो इकोनॉमिक्स दैट इज समष्टि अर्थशास्त्र। एक होता है हमारा माइक्रो और एक होता है मैक्रो। एक होता है हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक होता है हमारा समष्टि अर्थशास्त्र। आइए देखते हैं कि ये माइक्रो और मैक्रो क्या होता है, जरा ध्यान से समझेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है जहां पर हम एक लघु स्तरीय अध्ययन करें, जहां पर हम एक इकाई का अध्ययन करें, मतलब जहां पर हम एक स्मॉल लेवल की स्टडी करें या जहां पर हम एक इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करें। सरल भाषा में समझें, जब हम सिर्फ एक की स्टडी करें, एक की, चाहे एक उपभोक्ता हो चाहे एक उत्पादक हो। जैसे जरा यहां पे देखना, जब हम उपभोक्ता की बात करेंगे तो उपभोक्ता काम करेगा क्या, मांग करने का। उपभोक्ता करता है डिमांड, जल्दी बोलो हाँ या ना। उपभोक्ता क्या काम करता है, डिमांड का। उपभोक्ता काम करता है मांग का, डिमांड। अर्थात क्या, जो डिमांड, जैसे आप बाजार जाओगे आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो आप पहले कोल्ड ड्रिंक मांगोगे ना, डिमांड करोगे, लो भैया कोल्ड ड्रिंक दो, कोल्ड ड्रिंक दो, कोल्ड ड्रिंक। तो आपने डिमांड करी, और जो हमारा प्रोड्यूसर है ना, ये करता है सप्लाई, अर्थात ये करता है हमारी आपूर्ति। तो इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों ये हो गया कि जो कंज्यूमर की डिमांड हो या प्रोड्यूसर की सप्लाई हो। तो दोस्तों जैसे अगर हम सिर्फ एक कंज्यूमर या सिर्फ एक प्रोड्यूसर का अध्ययन करते हैं तो उसे हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो जब हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र, तो यहां पे हम सिर्फ एक की स्टडी करेंगे, यहां पे हम सिंगल इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करेंगे, यहां पे हम सिर्फ स्मॉल लेवल की स्टडी करेंगे। जब एक की स्टडी करें, मतलब ऐसे समझो, मेरे सामने जो कैमरा लगा है सोनी कंपनी का है, अगर मैं सोनी कंपनी के कैमरे ने कितनी सप्लाई करी है एक साल के अंदर या जितनी भी सप्लाई करी, अगर मैं सिर्फ इसी कंपनी के कैमरे की स्टडी करूंगा तो इसे मैं कहूंगा माइक्रो इकोनॉमिक। दोस्तों यदि मैं मान लो स्टडी करूं, जैसे मैं स्टडी करूं कि इस कैमरे का, इस सोनी कंपनी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत क्या है, तो सिर्फ जब एक ही कंपनी की बात कर रहा हूं तो इसे मैं कहूंगा माइक्रो इकोनॉमिक। तो मैंने कहा जब एक लघु स्तरीय अध्ययन होता है, मैंने कहा जब एक इकाई का अध्ययन होता है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक।
और मेरे प्यारे साथियों, जब मैं स्टडी करता हूं एक एक समग्र स्तर की, समग्र या कह लो संपूर्ण स्तर की, जब मैं स्टडी करता हूं एक समग्र स्तर या संपूर्ण स्तर बोले तो एग्रीगेट लेवल, जब मैं बात करता हूं एक एग्रीगेट लेवल की, एक समग्र स्तर की, एग्रीगेट मतलब बड़े स्तर की, जब मैं बात करूंगा एक लार्ज लेवल, अगर इसका अध्ययन मैं करूंगा तो इसे मैं कहूंगा मैक्रो इकोनॉमिक। मतलब जब मैं एज अ होल मतलब जब मैं संपूर्ण का अध्ययन करूं, अर्थात जैसे मैंने कहा यहां पर एक उपभोक्ता के मांग का अध्ययन, एक उत्पादक के आपूर्ति का अध्ययन, जब मैं एक एक की स्टडी करूंगा तो माइक्रो। अगर मैं यहां पर स्टडी करूं पूरे देश की राष्ट्रीय आय, पूरे हिंदुस्तान की राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, क्या हमारे देश की जो राष्ट्रीय आय है, हमारे देश की जो नेशनल इनकम है वो क्या है। अगर मैं स्टडी करूं हमारे देश में पॉवर्टी, निर्धनता बोले तो गरीबी, क्या हमारे देश में जो गरीबी है, जो निर्धनता है, उसका अध्ययन करूं। जब मैं स्टडी करूं हमारे देश में बेरोजगारी की, हमारे देश में बेरोजगारी की, अगर मैं स्टडी करूं हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की, इसे कहूंगा मैक्रो। जब मैं पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी, इनका अध्ययन करता हूं तो इसे हम कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। और जब मैं सिर्फ एक की बात करूं कि भैया एक कंपनी या एक उपभोक्ता का मांग क्या है, आपूर्ति क्या है, उत्पादन क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है, इसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक। तो हमने अर्थशास्त्र को दो विषय में बांटा हुआ है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र, तो एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। तो दोस्तों जल्दी से मुझे बताएं, तो अच्छा सिर्फ आपकी क्लास 4:30 से 6 बजे तक थी, टाइम हो गया है, तो इसलिए अब मैं थोड़ा सा इसको समअप कर देता हूं। मेरे प्यारे साथियों, जब मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूं तो इकोनॉमिक्स खत्म कर रहा हूं, तो इकोनॉमिक्स के जो पापा हैं वो हैं एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स के जो पापा हैं वो हैं एडम स्मिथ। और जब मैं बात करता हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसके पापा अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन समटाइम्स हम एडम स्मिथ को ही माइक्रो इकोनॉमिक्स, और कुछ लोग कहते हैं अल्फ्रेड मार्शल, एक बहुत महान इकोनॉमिक्स थे अल्फ्रेड मार्शल, कुछ लोग कहते हैं, सब लोग नहीं। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसे भी कहते हैं। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसके पापा हम कहते हैं जे एम कीन्स को, तो जे एम कीन्स साहब को मैक्रो इकोनॉमिक्स के पापा। तो अगर मैं बेसिक बात करूं तो जो हमारे इकोनॉमिक्स है, जो हमारी अर्थशास्त्र है, इसके जनक, इसके जो पापा हैं, इसके जो जनक हैं वो हैं एडम स्मिथ। अगर मैं बात करूं एडम स्मिथ साहब की, तो एडम स्मिथ साहब की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने एक किताब लिखी थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड causes of wealth of nations, ये इनकी किताब का नाम था, and causes of wealth of nations, right? लेकिन हम short में, ये इतना बड़ा किताब का नाम था इनका इतना बड़ा, लेकिन हम इसे short में wealth of nation ही कहते हैं। आप बस इतना याद रखना जो underline किया wealth of nation, ये किताब इन्होंने लिखी 1776, और यहीं से ये अर्थशास्त्र के जनक कहलाने लगे। इन्होंने बहुत सारे व्यष्टि अर्थशास्त्र के भी टॉपिक दिए हैं, तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसके पापा भी एडम स्मिथ कहलाते हैं, लेकिन एक प्रोफेसर मार्शल रहे हैं, उन्होंने एक किताब लिखी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसके बिहाफ पर कुछ अर्थशास्त्री ग्लोबली अल्फ्रेड मार्शल साहब को भी इकोनॉमिक्स के पापा कहते हैं। बात करते हैं जेम कीन्स साहब की, तो दोस्तों जेम कीन्स साहब के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र है मैक्रो इकोनॉमिक्स, दोस्तों मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो पापा हैं वो हैं जेम कीन्स। दोस्तों इन्होंने 1935-36 में, 1935-36 में एक बहुत ही शानदार किताब लिखी, जिस किताब का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ, क्योंकि ये किताब का नाम था और ये हिंदुस्तान के तो थे नहीं, इसलिए नाम ऐसे ही होगा,
आप लोगों को लिखना है तो आप हिंदी में लिखिए कैसे, द जनरल ऐसे, लेकिन किताब का नाम ऐसे ही होगा, देवनागरी में लिख सकते हैं आप। भैया इन्हें क्या आती थी हिंदी, नहीं तुम कहो गुरुजी तुम अंग्रेजी में लिख रहे, तो जहां मैं कहूं हिंदी अंग्रेजी नहीं है, याद रखियो, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉमा इंटरेस्ट एंड मनी, ये इनकी किताब थी दोस्तों। ये इन्होंने एक बहुत ही फेमस किताब लिखी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। इस किताब से पहली बार मैक्रो इकोनॉमिक्स की बातें करी गई ग्लोबली, वैश्विक रूप से, इसलिए हम जेएम कीन साहब को समष्टि अर्थशास्त्र का पिता कहते हैं। फाइनली हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहां से टॉपिक शुरू करेंगे, क्या की ये हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा दोस्तों। टॉपिक हम ये डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, आज मैंने आपको समझा दिया अर्थशास्त्र है। कल 4:30 बजे शाम को हम लोग बात करेंगे, मैं सोचा था यार 6:30 बजे क्लास खत्म होगी, इसलिए मैं लगा था चलो 2 मिनट में खत्म कर रहे। कल हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, अर्थशास्त्र बनाम अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या अंतर है। तो मुझे उम्मीद है कि आज जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया आपको पूरा समझ में आया। ये अभी आपको जितना ही मैंने बोर्ड पे लिखा है ये फाइल आपको तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी, साथ में मैं अपनी क्लास के नोट्स आप लोगों को A4 साइज में दूंगा, राइट, पीडीएफ। अगर आपको उससे सही लगे तो ठीक है, नहीं तो आप अपना और मेरा दोनों का समय बर्बाद करना चाहते हैं तो मैं लिखवा दूंगा, बाकी आपकी जैसी इच्छा, मेजॉरिटी जो कहेगी। हैव अ नाइस एंड वंडरफुल टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।